हेलो। चलिए बाबू, तो एनवायरमेंट का जो अलग अलग जो टर्म जानना था वो हम बता दिए हैं बाबू। आज के लेसन में हम प्रयास करेंगे कि बायोम क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारे को बताने का प्रयास करेंगे। आपका काम क्या है कि हमको 2 घंटा के आसपास ध्यान से सुनिए और सारे चीज को समझने का प्रयास करना है आपको, है ना। चलिए, और दूसरी बात क्या बाबू, कि नोट्स के लिए आप लोग बोल रहे थे, आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट यही बोल रहे हैं, नोट्स आपको ग्रुप में डाल दिया गया आधा के, और आधा आपको और बाद में दे दिया जाएगा। आधा एक बार डाल दिए और आधा क्या करेंगे अगला बार में डाल देंगे, है ना। क्या वो नोट्स आपका ग्रुप में डाला गया है, आप लोग यहां से ले लीजिएगा, यहाँ का बच्चा जो यहां से ले लीजिएगा, है ना। और जो ऑनलाइन बच्चा होंगे उनका ग्रुप में जहां चल रहा है क्लास वहां पर डाला गया है, तो आप वहां से बाबू उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा या जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लीजिएगा। नहीं, नोट्स अपडेट होके मिल रहा है बाबू, ठीक ना। ये पुराना नोट्स है, इसमें बहुत सारा अपडेट किया गया है, इससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब देख लीजिए जहां पर है, बस बस देख लीजिएगा, ठीक है। फालतू ये आप लोग के दिमाग ज्यादा रहता है, एक बार बोलने समझ में नहीं आता है, बोले कि आप लोगों के बाबू यहाँ के बच्चा को ऑफिस में नोट्स लेना है और ऑनलाइन बच्चा को आपको जो ग्रुप है उसमें डाला गया है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बच गया जी, फालतू के आप लोग दिमाग लगाते रहते हो, सुनने वक्त तो सुता रहेगा। चलिए सुनिए, तो आज इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, बायोम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कुछ और हम पॉइंट लिख लिए हैं, जो भी हम लगेगा क्या और बताना है, समय बचेगा तो और बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो बायोस्फीयर, क्या वो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब देखिए इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, है ना। अब बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट क्या हो रहा, शुरू हो रहा, तो अब बाबू क्या हो गया, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है। बायोस्फेयर का हिंदी होता है जैव मंडल, क्या होता है, जैव मंडल होता है, और बायोम का बायोम ही होता है, और बायोडाइवर्सिटी का होता है जैव विविधता, क्या होता है, जैव विविधता। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर ज्योग्राफी का क्या होगा यूज जाएगा, किसका बाबू, ज्योग्राफी या भूगोल का क्या होगा यूज होगा। तब तक एक बच्चा क्या कीजिए बाबू, हेलो छोटे, यहाँ पर वो कांटी मारिए, वो यहाँ पर जहां पर मैप लग सके, मैप का चीज जाएगा, यहाँ पर वो कांटी मारिए एकदम सटा करके ताकि मैप लगाया जा सके बाबू, है ना। चलिए, तो पहले समझिए क्या हो बायोस्फीयर, जैव मंडल, क्या है, बायोस्फीयर या जैव मंडल, वैसा क्षेत्र, क्या वो वैसा क्षेत्र जहां पर जीव जंतु रहता है उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर या जैव मंडल बोलते हैं। इसको देख करके बाबू, एक और बच्चा सामने आइए, देख करके मारिए वहीं पर, देख क्या वहां, नहीं ना, और उधर मारिए जहां तक, और उधर जाइए, अरे सब पहले करके रखना चाहिए, हाँ रिप्रेजेंटेबल यहां पर मारिए, उधर मारिए, ज्यादा पर मारेगा तो काम गड़बड़ जाएगा, आराम से आराम से, उंगली कुछ आ जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा। बस काम चल रहा है ना। चलिए एक सेटिंग कीजिए बाबू जो कि पूरा जूम हो जाए, ये लगभग कर देते हैं, यूएन पर किया हुआ है सेटिंग, रुक जाएगी क्या हुआ दोपहर, एक मिनट, चलिए ठीक है, हो गया बाबू।
ठीक है। तो बाबू क्या है कि यहां पर थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी टॉपिक समझना पड़ेगा। फिलहाल समझाते हैं जैव मंडल क्या होता है। जैव क्या है? जैव अमंडल, मंडल मतलब एरिया होता है। क्या तो एरिया होता है या क्षेत्र होता है। स्फीयर मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है। जहां पर जीव जंतु का क्षेत्र हो उसे बोलते हैं जैव मंडल। मतलब बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि जहां पर जीव जंतु होता है पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए हम तीन तरह के स्फीयर समान तौर पर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं वायुमंडल। क्या पढ़ते हैं दोस्त? वायुमंडल। और इसको बोलते हैं एटमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर बोलते हैं। अगला होता है बाबू जलमंडल। क्या होता है? जलमंडल। हाइड्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। एक होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। जो जमीन वाला एरिया है बाबा, धरती पे अगर की बात करते हैं, ये हो गया स्थल मंडल या भूमि मंडल, या बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। जहां जल वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं जल मंडल। हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया? हाइड्रो। जल का फॉर्मूला H2O होता है ना जी, तो एस से ओ हो गया, एस से भी हो गया, तो हाइड्रोस्फेयर। वायुमंडल जहां पर क्या हो? हवा हो। पृथ्वी के ऊपर के लिए क्या हो गया? वायुमंडल। ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल में सब जगह जीवन संभव नहीं है, जल में सब जगह जीवन संभव नहीं है, और स्थल पर भी सब जगह जीवन संभव नहीं है। अभी समझ में आए कहां पर जीवन संभव है कहां पर नहीं है? तो जीवन संभव कहां? जीने के लिए हवा चाहिए, जल चाहिए और जमीन चाहिए। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन संभव होगा उसे बोलते हैं बाबू क्या? जैव मंडल या बायोस्फीयर। यह क्या होता है? तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तीनों क्या होता है? मिलन बिंदु होता है। कि इधर से बाबू मान लेते क्या है आपका? वायुमंडल है। इधर से क्या आपका हो गया बाबू? जलमंडल। इधर से क्या आपका हो गया बाबू? अस्थल। ई एरिया में मात्र जीवन संभव होगा। मतलब पूरा हवा में जीवन संभव नहीं है, पूरा जल में जीवन संभव नहीं है, और पूरा बाबू अस्थल में जीवन संभव नहीं है। जीवन ये तीनों क्या है? मिलन। जहां पर तीनों चीज उपस्थित हो वहां पर जीवन बाबू संभव। इसी को बोलते हैं क्या आपका? बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायो। अब देखिए कोई भी जीव को पनपने के लिए पानी चाहिए बाबू, है ना, और तापक्रम चाहिए। पानी और तापक्रम चाहिए। अगर जहां जहां पानी और तापक्रम कम होगा वहां पर जीवन क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा? अब समझना क्या है कि जैसे बाबू एक क्या हो गया? धरती। एक क्या हो गया? धरती। धरती से अगर बहुत ऊपर जाइएगा तो वहां पर भी कोई जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। आप पहाड़ पर जाइएगा, वो पहाड़ पर जीव जंतु होता है वो। आप देखते हैं कि जैसे धरती किस एरिया में जीव जंतु बहुत ज्यादा होता है। जैसे समझाने के लिए बताते हैं, देखिए क्या है, थोड़ा ज्योग्राफी का आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ई बाबू क्या है? पृथ्वी। सबको दिखाई दे रहा है? ए क्या हो गया आपका? पृथ्वी। और पृथ्वी बेसिकली ऐसा होता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। अब देखिए यहां पर जो रेखा जाता है बीचे बीच बाबू, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, या इसी को इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वल भाग बांट रहा है, पीछे पीछे भाग रहा बांट रहा है, तो इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब अगला समझना, इसको ऊपर 23.5 के बाबू और नीचे 23.5, इसके ऊपर है, इसके नीचे भी 23.5, ठीक ना। यहां तक बाबू सन है क्या? सन है। क्या हो? सन है। अब देखिए सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही? गति कर रही है ना। समझने के लिए दो बच्चा यहां पर आइए बाबू, जल्दी से आइए, जल्दी से। देखिए एक या बाबू चाप जाइए, कुछ हो जाएगा। आप जाइए, आप पसंद हमको नहीं आया है ना। चलिए ये बाबू क्या है? सन है। हम क्या है? पृथ्वी है। हम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या कर रहा है? चारों तरफ गति कर रहा है। अगर बाबू हम ऐसे गति करते हैं, ऐसे खाली, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये है ना, जब टॉर्च जला रहे हैं तो हमको पिछवाड़ा खाली झलकित रहेगा, आगे दिखाई देगा, इधर अंधेरा दिखाई देगा, इधर लाइट दिखाई देगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन अब हम जानते हैं इनके गति कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ऐसे कर रहे हैं गति। मतलब कि कभी दिन भी होगा, कभी क्या होगा? रात भी होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो? तार लपटा जाएगा, है ना, समझ में रहा। मतलब ये हो गया सन बाबू, और सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? हम गति कर रहे हैं, हम पृथ्वी हैं। और गति सिर्फ एक तरफ करके नहीं कर रहे हैं, हम अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, और प्लस इनके चारों तरफ भी घूम रहा है।
अब ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं क्या कि यहां पर लाइट जा रही, टॉर्च जानते हैं ना, टॉर्च जैसे करके जला रहे हैं, तो हम पृथ्वी है। तो देखिए बाबू ध्यान देखिएगा, यहां पर ऐसे आइए बाबू ताकि उसमें भी दिखाई दे, ये बाबू टॉर्च जलाए हुए। अब टॉर्च आएगा तो लाइट ही सोचे ज्यादा पड़ेगा, इसके ऊपर भी कम पड़ेगा, इसके नीचे भी कम पड़ेगा। और जहां ज्यादा लाइट ज्यादा आएगा वहां पर गर्मी ज्यादा होगा, और गर्मी ज्यादा होगा तो यहाँ पानी ऊपर उड़ के जाएगा, तो बाद में बरसात भी होगा, तो ये एरिया में गर्मी भी ज्यादा और क्या होगा बरसात में। और जहां गर्मी ज्यादा बरसात ज्यादा वहां जीव जंतु भी पूरा एकदम रेल भर भर घोड़ा। अब इसके ऊपर जाइए, अभी इसे रख ले रही है, इसके बाबू ऊपर जा रहे हैं हमारे, देखिए ये बाबू ये एरिया को छोड़ दीजिए, लेदवा को छोड़ दीजिए, लेदवा के नीचे जाइए या ऊपर जाइए, लाइट कमाएगा। यस सर, सबसे कम लाइट यहाँ रहा जी, और सबसे कम लाइट नीचे पैरों पर जाएगा, तो यहाँ बहुत सबसे ठंडा होगा, वहां पर सबसे ठंडा होगा, मतलब वहां पर ठंडा है तो जीव जंतु रहेगा बिना कैसे कैसे रहेगा, दलदलाई तो रहेगा, वो रहल न रहल बरोबरे है, समझ में आ गया। अब जाइए बाबू, अब ये चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मतलब ये क्या हो गया सन हो गया, और सन से क्या जा रहा है दोस्त यहाँ पर ऊर्जा, क्या जा रहा है ऊर्जा। तो ये जो देखिए ये हो गया, देखिए यहाँ बाबू जीरो हो गया ना, क्या हो गया जीरो डिग्री, और जीरो डिग्री के ऊपर में 90 डिग्री तक, और नीचे होगी 90 डिग्री। देखिए इस एरिया में सन का ऊर्जा क्या होगा ज्यादा पड़ेगा, टॉर्च से जला ले बाबू तो सीधे सीधे ज्यादा पड़ेगा, तो ये एरिया सबसे गर्म होगा, सबसे क्या होगा गर्म है। आ गर्मी वाला एरिया को जानते हैं पूरा एरिया क्या, ये देखिए 23.5 ऊपर कितना हुआ, आ 23.5 23.5 ऊपर को बोलते हैं कर्क रेखा, क्या बोलते हैं आइस को बोलते हैं। देखिए ऊपर में होता है 9, नीचे होता है 7, आ इधर पूरा व इधर 25। तो यहां पर समझना क्या दोस्त कि भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और 23.5 ऊपर बोलते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 दक्षिण क्या होते हैं मकर, क्या बोलते हैं मकर। अच्छा कर्क का मकर में भारी कौन है, तो मकर हो जाएगा नीचे और कर्क हो जाएगा ऊपर। एक और याद कर लीजिए, यहां पर अब 66.5 कितना हो गया 66.5, और यहां भी हो गया 66.5 बाबू, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, क्या बोलते हैं आर्कटिक रेखा, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा, क्या बोलते हैं अंटार्कटिका बोलते हैं। अब दोनों सेम नाम लग रहा है, लग रहा है, लेकिन आर्कटिक अंटार्कटिका पर ये कौन भारी लग रहा है, तो अंटार्कटिका भारी कहां आ जाएगा नीचे है, तो 66.5 उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है आर्कटिक रेखा, और 66.5 दक्षिणी अक्षांश को बाबू अंटार्कटिका रेखा। तो यही से 3-4 क्वेश्चन निकल जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 दक्षिण को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा, 66.5 आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्किल बोलेंगे, और 66.5 दक्षिण को अंटार्कटिका। ऐसे भी देखिए यहां पर क्या अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऊपर में क्या आर्कटिक है, ऊपर में क्या आर्कटिक महासागर है, और नीचे में क्या अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका क्या हो गया नीचे हो गया। अब यहां पर हो गया बाबू ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। अब ध्यान देखिएगा तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया में क्या होगा ज्यादा धूप होगा, क्या होगा ज्यादा धूप होगा, तो इसको बोलते हैं गर्म गर्मी एरिया, क्या बोलते हैं गर्म एरिया ज्यादा, इसको बोलते हैं बाबू इन्वायरमेंट की भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में उष्णकटिबंधीय, क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, या इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। यहां पर गर्मी एकदम पूरा, उष्ण मतलब क्या होता है हॉट, मतलब गर्मी क्या होगा ज्यादा होगा, है ना जी, देखते ना बोलता है आजकल तो क्या होता है गजब मीडिया वाला रिपोर्टिंग करता है, ठंडा के दिन क्या करता है, क्या नाम है एक लड़की का जी जो डांस वा करते इसे करके है गर्मी गर्मी इंदिरा फतेह ने चेन्नई में लगाई आग, एक जगह लिखा रहेगा है ना जी पैरा अडवाणी ने लगाया कानपुर में आग, हाँ मतलब समझ रहा, मीडिया वाला बना क्या देना कि लड़की अगर कपड़ा कम पहन रही है तो गर्मी वहां क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से आपको बाबू पेश किया जा रहा है, अलग अलग चीज को समझिएगा, इसके पीछे क्या आपको साइकोलॉजी का यूज किया जाता है, फिलहाल अभी यहाँ पर हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं मतलब गर्मी उसे नहीं आता, अरे गर्मी से बेचारी वही खुदे मर जाएगी। चलिए तो ये क्या हो गया ट्रॉपिकल या उसमें कटिबंधीय क्षेत्र, देखिए ये जो एरिया है ना ये एरिया
एरिया, इसको बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट, टेम्परेट। या बोलते हैं शीतोष्ण, क्या बोलते हैं? कुछ कुछ बच्चा बोल रहा था ऑनलाइन में दिखाई नहीं देता, तो दिखाई नहीं देता तो बोलिया सुनाई दे रहा बाबू ना, बस बोलिया समानों का काम चल रहा है ना। चलिए तो यहां हो गया शीतोष्ण, मतलब यहां बाबू क्या है कि शीतोष्ण कटिबंध, क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर क्या होगा ना, ज्यादा गर्मी नहीं होते ठंडा। अब इसकी इसको बोलते हैं कुछ कोल्ड जो, क्या बोलते हैं? कोल्ड। या बोलते हैं शीत, क्या बोलते हैं? शीत क्षेत्र। या बोलते हैं पोलर क्षेत्र, क्या बोलते हैं? पोलर रीजन। समझाते हैं फिर से, देखिए ये बाबू क्या हो गया, 0 डिग्री, इसका 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे। ये पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा गर्मी रहेगा। उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलेंगे। अब बाबू क्या, उससे ऊपर जाइए 23.5 से 66, और नीचे भी कहा 23.5 से 66, 23.5 से 66। यहां पर भी क्या होगा, ज्यादा गर्मी न ज्यादा क्या होगा, ठंडा होगा। इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और बाबू 66.5 से 90 और 66.5 से 90, यहां पर भी कम बाबू सूर्य की रोशनी पहुंचेगा तो ये ठंडा बहुत ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, इसको भी बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। यहां पर ठंडा क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहां हो गया और सबसे ठंडा ही हो गया, हो गया ना। तो जहां गर्मी ज्यादा होगा तापक्रम क्या हो गया, ज्यादा। सूर्य की रोशनी यहां पर क्या हो गया, ताप ज्यादा हो गया। अब तापक्रम ज्यादा तो यहाँ का पानी उन्हें ऊपर उड़ के जाएगा जी, पानी जब ऊपर उड़ करके जाएगा तो वहां बाबू क्या होगा, फिर बाबू बादल बनेगा, अब बरसात होगा। तो ये एरिया में सबसे ज्यादा क्या होगा, बरसात होगा, सबसे धूप है। तो यहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पनपेगा। बीच में सबसे ज्यादा जीव जंतु कहां पाएगा, विषुवत रेखा के आसपास या उस कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाता है। और जहां पर जीव जंतु पूरा पाया जा रहा है उसको बोलते हैं जैव विविधता। थोड़ा देर बताएंगे जैव विविधता क्या होता है। बायो प्लस डाइवर्सिटी, बायो मतलब जीव, जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है उसी को बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए बाबू क्या, यहाँ बाबू क्या, जीव की विविधता नहीं है, हम लोग सब क्या है मानव, जीव की विविधता नहीं है, लेकिन कपड़ा का विविधता है, कोई लाल है, कोई पियर है, कोई हरियर है, कोई करिया है, अलग अलग कपड़ा है, कपड़ा का विविधता है। चेहरा के बनावट की विविधता बाबू है, यहाँ जो आपको नोट्स दिया गया है नोट्स का विविधता नहीं है, क्योंकि सबके एक ही नोट्स है, लेकिन कॉपी का तो विविधता है बाबू। विविधता मतलब अलग अलग के प्रकार। तो यहाँ पर बाबू क्या है कि एरिया में सबसे ज्यादा अलग अलग प्रकार की जंतु पाया जाएगा। तो सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन है ना, जहां पर जीव जंतु की संख्या या जीव जंतु की अलग अलग प्रकार प्रजातियां पाया जाता है उसे बोलते हैं जैव विविधता। सबसे ज्यादा जैव विविधता विषुवत रेखा, और सबसे कम कहां, यहां ध्रुव पर, यहां पर बाबू ध्रुव पर, वहां इतना ठंडा रहेगा कि अगर रहेगा भी बाबू ना तो एकदम नुकायल रहेगा। देखिए बाबू क्या है, जब वहां रहेगा भी तो जैसे ठंडा में होता है, गर्मी में क्या होता है, गंजे उंजे खोल के एकदम चल रहे हैं बिना हाव कहीं से, और ठंडा में जी नहाले में घुसल है, रात के सुते हैं तो एकदम लंबे है ना जी। आयो कहावत है कि जैसे जैसे बीते रात है ना जी, आई ठेवना करे छुटी से बात, क्या बोलते हैं, मतलब ये किसे आ जाएगा, वैसे आ जाएगा है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या, ठंडा होगा, आप रहिएगा ना रहिएगा बरोबर है। अभी आपके घर में कोई चोरी करके भाई है ना, पकड़ के एकदम कुछ उम्र मिला दीजिएगा, लेकिन बाबू क्या होगा, जब ठंडा के दिन है ना, बोलो करे कि हम चोर है, देखिए जाओ ना यार चोर को जीतो है, जाओ है कि नहीं है। तो वहां अगर जीवन तो रहेगा भी तो इन एक्टिव रहेगा और क्रिय रहेगा, लेकिन इस एरिया में क्या होगा, वो सक्रिय रहेगा है ना। सब आगे देखिएगा, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार क्या होता है, जीव जंतु पाया जाता है उसको बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं, बायोम। जो जीव जंतु इस एरिया में पाया जाएगा वो जीव जंतु बाबू इस एरिया में नहीं पाया जाएगा, समझिए। यहां अगर पेड़ पाया जाएगा तो हम पूरा पत्ती चौड़ा चौड़ा, पानी पूरा पड़ा, पानी रोकने की आवश्यकता नहीं है, तब पत्ती क्या होगा, चौड़ा 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 होगा, ताकि पानी यहां से बाबू निकले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर बाबू रेगिस्तान की बात करते हैं, मान ली कोई एरिया रेगिस्तान है, ये एरिया मान ली रेगिस्तान है, यहाँ पर तो रेगिस्तान का जो बाबू जीव जंतु पाया जाएगा, रेगिस्तान में पौधा पाया जाएगा वो अलग प्रकार का पाया जाएगा, यहाँ पर अलग प्रकार का पाया जाएगा। यहाँ पर जो जीव जंतु रहेगा जी, होगा आपको स्वेटर ढेर मानी रहेगा, खोल क्या रहेगा ढेर मानी, बाल रहेगा ढेर मानी। अब बाल नहीं रहेगा तो भाई क्या होगा, सारा हीट निकल जाएगा ना जी। तो वहां भालू पाया जाएगा, बियर भालू है ना। भाई अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाया जाता है, इसे बोलते हैं बायोम। सुनिए क्या बोले, बायोस्फीयर ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर जीव जंतु पाया जाता है,
है ना, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोडाइवर्सिटी जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की विविधता हो उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोम क्या बोले कि अलग अलग एरिया में वहां के मौसम के अनुसार वहां के प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाया जाएगा। यहां पर जो जीव जंतु है सुगेंड जीव जंतु है, जाके देखो मुसहरी में घुसो बाबू जहां पर मिलता है एकदम धूप और मच के, वहां पर कौन जीव रहेगा? पियाक जीव है ना। और जहां पर नाच हो रहा वहां पर कौन? आशिक जीव है ना। जहां पार्क होगा वहां पर कौन? पेयर कपल जो क्या हुआ कपल। मतलब सब एरिया में अलग अलग प्रकार जीव जंतु पाया जा रहा है। तो ऐसी बाबू क्या बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग एरिया में पाया जाता है उसे बोलते हैं पायो। मतलब यहाँ के जीव जंतु यहां से डिफरेंट होगा और यहाँ के जंतु यहां से क्या होगा डिफरेंट, इसको बोलते हैं पायो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बायोम या सबसे ज्यादा वायु विविधता जब तक कहां पर रहता है? विषुवत रेखा पर। और सबसे कम ध्रुव पर। अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो कौन सी कमेगा? धूप कमेगा, बरसात कमेगा है ना जी, जीव जंतु भी कमेगा। मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता घटेगा है ना। लेकिन कौची बढ़ेगा? ठंडा क्या होगा? बढ़ेगा। बर्फ क्या होगा? ठंडा बढ़ते जाएगा, पानी बर्फ बनते जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगर हम विषुवत ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो कौची कौची पड़ेगा? एने से नहीं आ रहे हैं, धूप भी पड़ेगा। अरे एने से नहीं आएगा ना, धूप पड़ेगा। यहां कम धूप, यहां ज्यादा धूप, गर्मी बढ़ेगा, बरसात बढ़ेगा, जीव जंतु भी क्या होगा? बढ़ेगा। बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा बाबू जा सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर जो जीव जंतु रहता भी है बाबू ना, उस सुप्ता अवस्था में रहता, क्या रहता है? सुप्ता रहेगा, वहां पर रहता कवक विषाणु वगैरह कुछ रहता है। और ध्रुव पर तो बिल्कुल नहीं होगा, जहां पर कोई जीव जंतु नहीं रहेगा उसको बोलते हैं बाबू कि वहां बायोम नहीं है, वहां बायोस्फीयर नहीं है। तो यहाँ पर ध्रुव पर कोई जीव जंतु पाया जाएगा? बिल्कुल, ध्रुव पर जहां बिल्कुल ठंडा है वहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। वहां पर बायोम नहीं पाया जाएगा, वहां पर बायोस्फीयर नहीं पाया जाएगा, वहां पर बायोडाइवर्सिटी नहीं पाया जाएगा। ये समझ में गया? ध्रुव पर। इसके अलावा क्या बाबू, हम बायोस्फीयर की बात करते, देखिए मैं बहुत पहाड़ पर चले जाओ या धरती के बहुत ही अंदर चले जाओ, समुद्र के बहुत ही अंदर चले जाओ, वहां पर भी कोई जीव जंतु नहीं मिलेगा। आप और देखिए पृथ्वी हो गया नहीं, माने क्या पृथ्वी है, पृथ्वी से अगर बहुत ऊपर जाइए या बहुत नीचे जाइए वहां पर भी समय के साथ क्या हो घटते जाएगा। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो भी जीव जंतु घट रहा है, और नीचे जा रहे हैं तो भी घट रहा है। मतलब ये बोलेगा बाबू क्या है कि धरती से बहुत ऊपर और धरती से बहुत नीचे वहां पर बाबू बायोस्फीयर नहीं होता है, वहां पर जीव जंतु नहीं होता। तो अगर पहाड़ पर आप चले जाइएगा तो वहां पर जीव जंतु मिलेगा? पहाड़ पर खाली रहेगा बर्फ जमन है ना, एकदम सुनसान। कई बार होता ना जी कि बाढ़ में चलोगे ना जी, खाली खेत दिखाई देता है, कोई है ही नहीं है, प्यास लग गया था बाबू, दिक्कत होता कि नहीं होता, कहीं नहीं रहता है ना। तो इसी बाबू क्या है कि यहाँ पर बाबू क्या कोई भी जंतु दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन, पहाड़ पर बायोस्फीयर पाया जाता है कि नहीं? धरती के बहुत अंदर पाया जाता है कि नहीं ना, ध्रुव पर बायोस्फीयर पाया जाता है कि नहीं, ये सब एरिया पर पाया नहीं जाएगा। तो बायोस्फीयर वाला कहानी बता दिए बाबू है ना। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बता दिए कि सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाया जाए कहां पर? विषुवत रेखा और आस पास वाला इलाका, हो गया ना। अब पहले इतना ही क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कहां पाया था? यहाँ। सबसे कम कहां बाबू? यहाँ। लेकिन आजकल उसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम चार बाबू देश देते कि बाबू चार देश, एक बाबू क्या है, एक मान लेते क्या है कनाडा है, क्या है कनाडा है, एक बाबू क्या है आपका भारत है ना, एक बाबू क्या है श्रीलंका, क्या है, और एक बाबू क्या है हम देंगे आपको नहीं देने कल से देंगे हम देंगे, एक ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये ऑप्शन कैसा, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाया जाता है? पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसको बाबू, थोड़ा सा मैप को कौन बाबू कहां कहां है, तो थोड़ा सा हम समझाने का आपको पहले प्रयास करते हैं मैपिंग थोड़ा सा। देखिए बाबू ए बाबू क्या है, समझिए क्या है आपका जीरो डिग्री, क्या है बोले कि अभी गोल बता रहे थे ऐसा हो गया चौड़ा जी, अभी देखिए मैं शर्ट गोल है जी, आ खोल के हीरो ऐसे उड़ाएंगे ऐसे करके है ना जी, तो बाबू क्या हो जाएगा चरखुट हो जाएगा, मतलब अभी गोल है बाद में क्या हो जाएगा चरखुट हो जाएगा। तो ये बाबू चरखुट हो गया, ऐसे चरखुट मतलब ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या एक जगह, ये क्षेत्र क्या है दोनों एक जगह, ये प्रशांत महासागर, ये भी क्या है प्रशांत महासागर। कुछ और आपको आइडिया देते हैं, देखिए ए बाबू पूरा क्या एशिया है, पूरा क्या है एशिया है, और ए बाबू क्या है अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया ये हो गया है ना, ए क्या हो गया अफ्रीका हो गया,
ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, मतलब यहां पता देखिए सबसे पहले इसको हटाइए, पहले इसको समझिए, उसको समझ लीजिए, यहां से लेकर के बाबू यहां तक एशिया हो गया। ये रूस बाबू है ना, रूस का पूर्वी भाग को बोलते हैं साइबेरिया, क्या बोलते हैं साइबेरिया, तो रूस का अधिकतर हिस्सा कहां एशिया में है, लेकिन इसका राजधानी है मास्को जो कहां है यूरोप में। तो पहला सबसे बड़ा ही हो गया, दूसरा कौन हो गया अफ्रीका, और तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, और चौथा हो गया, पांचवा हो गया ए अंटार्कटिका हो गया है ना, और छठा हो गया यूरोप, और सातवा सबसे बड़ा एशिया सबसे छोटा, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा और पांचवा और छठा सातवा सबसे बड़ा एशिया सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब आगे देखिए, इस सब जगह जीव बाबू क्या होता है, जीव जंतु पाया जाता है, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, खाली बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं निर्जन, क्या बोलते हैं निर्जन, और एक आध को पाया जाएगा कुछ लेकर चल रहा है, ठीक है ना, यहां पर क्या है बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसको बोलते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, यहां पर साइंटिफिक क्या होता है रिसर्च होता है, जहां महाद्वीप बताएंगे तो और डिटेल से हम चर्चा करेंगे, ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, ये समझ में आ गया ना। अब इसी में देखना और क्या है, समझिए बाबू जो भी बताएं यहां पर, इसको यहां समझा देते हैं थोड़ा सा, देखिए ए हो गया आपका जीरो डिग्री, क्या हो गया तो जीरो डिग्री जो हो गया बाबू उसके आस पास पूरा गर्मी पड़ेगा जी, मतलब ये एरिया पूरा गर्मी, ए हो गया आपका 23.5, क्या हो गया 23.5 हो गया, और ये क्या हो गया 23.5 हो गया। तो पहले इसको कहानी समझिए, ये एरिया में सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा बाबू क्या होगा बरसात, आज सबसे ज्यादा क्या होगा जैव विविधता भी पाया जाएगा, यहाँ के जीव जंतु अलग पाया जाएगा और ऊपर क्या होगा अलग। तो देखिए बाबू ऐसा अगर पूरा विश्व की बात करते कोई खास एरिया का, तो बाबू ब्राजील है, क्या ब्राजील है, अब ब्राजील में अमेजन का जंगल, यह दुनिया का सबसे क्या है घना जंगल, दुनिया का सबसे घना जंगल, आज सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है ब्राजील में पाया जाता है। अब इसी में देखिए क्या, ये अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया और ये क्या इंडिया वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये अंडमान निकोबार हो गया, इंडिया का जो निचला हिस्सा है बोला इंडिया का जो दक्षिण भारत है, ऊपर में उत्तर भारत, नीचे में दक्षिण भारत, तो यहां पर भी क्या होता है जैव विविधता पूरा पाया जाता है। तो देखा जाए तो इंडिया क्या है बाबू बायोडाइवर्सिटी वाला कंट्री है कि नहीं है, इंडिया में जैव विविधता अधिक पाया जाता है, हो गया। अब क्या बाबू इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर में क्या हो गया यहाँ पर बाबू क्या हो गया 66.5 नहीं, तो यहाँ क्या हो गया 66.5 क्या हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया ये है 66.5 ये वाला बाबू, तो यहां पर भी जंतु पाया जाएगा, इसको हम ऐसे करते हैं बाबू, ऐसे करते हैं इसको, ऐसे करते हैं यहां पर अलग प्रकार के जंतु पाया जाएगा बाबू, है ना। अब देखिए नीचे वाला हिस्सा, ये क्या हो गया 90, क्या हो गया आपका 90, और ये क्या हो गया 90, यहां पर खाली क्या है बर्फ, खाली क्या बाबू बर्फ, खाली क्या है बर्फ, ये समझ में आ रहा पुराना। अब आपको पहले देखना है कि ई एरिया में अगर देश रहेगा तो यहां पर क्या होगा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा। अब देखना कौन कौन कहां पर है, पहला कनाडा, कनाडा में भी यहां पर है, कहां पर यहां पर, यहां पर कनाडा है, यहां पर अमेरिका, यहां पर मैक्सिको है, यहां पर मैक्सिको है, यहां पर कौची अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां पर क्या हो गया कनाडा, तो कनाडा वहां समझ में आ गया, ये लग रहा कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, अच्छा पहला ही हो गया। भारत कहां है यहां पर, तो भारत में होगा जय विविता जी, भारत में होगा। अब आते बाबू श्रीलंका, श्रीलंका भारत से नीचे है तो श्रीलंका में पाया जाएगा, श्रीलंका में अगला क्या हो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहां है यहां पर। अब देखना कि माने समझे भारत में जय विविता है, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, अब इसके अनुसार सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, इसके अनुसार क्या होगा आपका श्रीलंका, इसके अनुसार क्या होगा श्रीलंका, मतलब क्योंकि देखिए ये आपका जीरो डिग्री हो ना, आज जीरो डिग्री के नजदीक कौन है श्रीलंका, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा श्रीलंका होगा, ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा वो वेरी करेगा, अगर श्रीलंका ना रहता कोई और देश रहता तो यहां पर क्या होता भारत में, अगर भारत भी रहेगा ब्राजील रहेगा तो क्या बनेगा ब्राजील, यहां पर जैव विविधता क्या होता सबसे अधिक बाबू पाया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके ऊपर की बात करते, नीचे की बात करते, यहां बिल्कुल यहां धूप है ना, यहां पर बिल्कुल ही नहीं पाया जाएगा। तो देखिए बायोस्फीयर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो हम बताने के यहाँ पर प्रयास बाबू किए। अब इसको थोड़ा समझना बायोम के बारे में, क्या हो बायोम, धरती पर जो जीव जंतु रहता है, धरती पर जो जीव जंतु रहता है उसको प्रकृति के आधार पर
या किस तरह कहा उसके अनुसार उसको बायोम में क्या बात करते हैं, बायोम में बांटते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का जीव जंतु रहता है। जो रेगिस्तान में पाया जाएगा वो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, वो ठंडा इलाका में नहीं पाया जाएगा। सब जगह का पेड़ पौधा जीव जंतु सब अलग होगा। जैसे हमारे यहाँ के जीव जंतु है ना बाबू, भाई क्या होता है बोल सकते हैं क्या, विषुवत रेखा के आसपास। हम तो विषुवत रेखा से दूर ना है जी, हम विषुवत रेखा से क्या थोड़ा सा दूर है, विषुवत रेखा यहाँ पर है, हम क्या थोड़ा सा बाबू दूर है। देखने में छोटी छोटी लग रहा है ना, ये बड़ी दूर है, क्या बहुत दूर है। तो हम लोग क्या हो जाए यहाँ कहीं बाबू क्या हवा लगा, देखना ये एरिया में करिया करिया आदमी होता है एकदम मंगरेला। इसम विषुवत रेखा के जितना नजदीक रहेगा उतना ही गर्मी से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आज जैसे ऊपर चलते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, गोरा गोरा। तो आप देखिएगा कि जो बाबू यहां से हमारे यहाँ आता है इंग्लैंड है, यहां से आता है, आएगा आता है कहां से, यहां से वेस्ट इंडीज से। क्रिस गेल का नाम सुना हो, तो क्रिस गेल के देखिएगा आज जेम्स एंडरसन या कोई भी और खिलाड़ी होगा इंग्लैंड का, उसको देखिए देखिए ये एकदम करिया रहे कुछ कुछ एकदम है ना जी, आगे क्या होगा पूरा एकदम उजला रहे, समझा गया ना, इतना समझ में। अब बायोम समझते क्या समझते हैं, बायोम से कुछ क्वेश्चन निकलेगा इसलिए बता रहे हैं। देखिए बायोम क्या है, अलग अलग क्षेत्र में पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है, उसी को बोलते हैं बायोम, उसे क्या बोलते हैं बायोम। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां की बात करते, किसी बात करते पृथ्वी क्या हो गया आपका, पृथ्वी क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। तो यहां हो गया जीरो डिग्री, क्या हो गया आपका जीरो डिग्री। अब देखिए क्या है, सबसे पहले ऊपर से कहां से आओ, ऊपर से शुरू करते, कहां से ऊपर शुरू करते हैं, यहां से ये ध्रुव हो गया बाबू, एक क्या हो गया ध्रुव। पहले समझिए कि ध्रुव पर कोई बायोम होगा, तो पहला क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन क्या, ध्रुव पर बाबू बायोम, यहां 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 पर क्या है, यहां पर क्षेत्र दिखाई दे रहा है बाबू, ये बना रहे हैं कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है जी, लगता है कि सब दिखाई नहीं दिया, ये सब दिखाई नहीं दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहां पर क्या बोले बाबू, ये क्या हो गया आपका पृथ्वी हो गया। हाँ तो हो गया था क्या बाबू, कहां पर अफ्रीका, अफ्रीका बाबू यहां पर, ये क्या है दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका यहां पर है। देखिए जैसे एक तो क्या क्या देखिए, इसके अलावा यहाँ पर रेगिस्तान भी है, जब ज्योग्राफी बताएंगे तो बताएं कि रेगिस्तान वहां पर क्यों है, समझेगा। जैसे जंगल तो बोल रहे कि होगा, लेकिन ये एरिया में वो क्या देखा जाए तो यहाँ पर जंगल पूरा होना चाहिए, लेकिन अफ्रीका में जंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एरिया में क्या है ठंडा पानी बहता है, और ठंडा पानी बहने के कारण क्या होता है कि यहाँ बरसात बनने का कंडीशन जरूरत नहीं हो पाता है, और जब बरसात नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां रेगिस्तान होगा, ठीक है ना। हम कई एरिया के बारे में ज्योग्राफी में बताएंगे कि भाई क्या है रेगिस्तान, आप एक और नोटिस कीजिएगा कि हमेशा क्या होता है रेगिस्तान जो होता है देश के पश्चिमी हिस्सा में ज्यादा होता है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वहां पर पता चलेगा, समझा गया ना। चलिए फिलहाल यहां पर आते हो, तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्र, क्या हो गया आपका क्षेत्र, हाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया क्षेत्र। अब है बायोम के प्रकार, क्या हो बायोम के प्रकार, पहले हम बात करते हैं बाबू क्या क्या ध्रुव, क्या हो ध्रुव मतलब यहां बोले, यहां क्या यहां पर बायोम पाया जाएगा, यहां पर जीव जंतु पाया जाएगा, तो यहां पर कोई भी बायोम नहीं पाया जाता। अब थोड़ा सा नजदीक आइए, थोड़ा सा बाबू नजदीक आइए, मतलब इसके आसपास आइए, इसके भी नजदीक आइए, देखिए दोनों जगह सेम चीज होगा ना जी, यहां पर आइए, तो यहां पर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं टुंड्रा, क्या बोलते हैं टुंड्रा, टुंड्रा बाबू, और उसके नीचे पाया जाता है टैगा। देखिए यहां पर टुंड्रा, इसके नीचे क्या पाया जाएगा टैगा, इसके नीचे बाबू टैगा, मतलब सुनिए ध्रुव के आसपास जो वनस्पति पाया जाता है उसको टुंड्रा बोलते हैं टैगा बोलते हैं, टुंड्रा और टैगा बोलते हैं। जो टुंड्रा होगा वो क्या होता है ध्रुव के बिल्कुल नजदीक होगा, और टैगा थोड़ा सा क्या होगा नीचे होगा, टुंड्रा टैगा समझ में गया। ध्रुव के आसपास पाए जाने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं टुंड्रा या टैगा बोलते हैं। टुंड्रा क्या होगा बिल्कुल नजदीक होगा, यू से ऊपर, यू से क्या हो गया ऊपर, अरे टी दोनों में से है ना जी, तो यू से ऊपर हो गया, ये से क्या हो गया नीचे हो। अब देखिए टुंड्रा कहां पाया जाएगा, जैसे देखिए यहां ध्यान से देखिएगा,
जैसे ही ध्रुव हो गया ना, ध्रुव पर तो कुछ नहीं पाया जाएगा, आप ध्रुव के नजदीक कहने आइए, ध्रुव के नजदीक बाबू इधर आइए, यहां पर भी ध्रुव के नजदीक आइए। ऐसा करते ना कि देखिए हम ऊपर 0 डिग्री से अगर ऊपर जो बताएंगे ना, वही 0 डिग्री से क्या रहेगा, नीचे भी रहेगा, सेम चीज रहेगा। तो हम खाली ऊपर में लेके चले बाबू, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मतलब नीचे वाला हम नहीं लेके। देखिए जैसे जैसे इसके ऊपर बताएंगे ना, वैसे वैसे इसके लिए भी क्या होगा, सही। आपको समझ में आ रहा बाबू, समझ में आ रहा ना। चलिए तो यहां पर क्या हो गया, वहां ध्रुव पर नहीं पाया जाएगा, यहां पर क्या पाया जाएगा, टूंड्रा। यहां पर थोड़ा टहेगा, क्या हो, टूंड्रा, यहां पर टहेगा। बोलिए ध्रुव पर कुछ नहीं, फिर क्या पाया जाएगा, और फिर क्या पाया जाएगा, टहेगा। इसी चीज को अगर हम यहां मैप में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो समझिए बाबू, देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं बाबू, देखिए यहां पर बहुत ध्रुव है, यहां पर कुछ पाया जाएगा, आप इसके नजदीक में कौन चीज, टुंड्रा, आप उसके नीचे बाबू टैगा। तो यहां ध्रुव हो गया कुछ नहीं, बाद में क्या हो गया, टुंड्रा, अब बाद में टैगा हो गया। अब टैगा को बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। पूछेगा कि कौन सा वनस्पति को बोरियल फॉरेस्ट कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, टैगा को कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट। कोई दिक्कत है क्या, वो अच्छा अभी उधर बता रहे हैं, अच्छा घुमाए नहीं जी, अच्छा कोई बात नहीं सर, अब बार बार कितना घुमाए जी, बोल रहे तो लेकिन सुनेगा नहीं जी, अब इतना दिमाग नहीं लगा तो कैसे काम चलेगा, है ना जी, हम ऑपरेट करने में लग रहे हैं, यहां बोल रहे हैं ना जी, बाद में यहां दिखा देंगे एक बार एक। तो यहां क्या हो गया बाबू, कोई नहीं, टुंड्रा नीचे क्या हो गया, टैगा। और टैगा को क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। देखिए पहले समझिएगा, टुंड्रा इस एरिया में वनस्पति पाया जाएगा, है ना, बिल्कुल क्या होगा, छोटा छोटा, क्या होगा, बिल्कुल छोटा छोटा घास टाइप, क्या वो घास टाइप पाया जाएगा, है ना। दूसरी बात क्या कि यहाँ जो जीव जंतु रहेगा, अगर रेंगने वाला जीव जंतु रहेगा बाबू, वो सर्वाइव कर पाएगा, वो रेंग के चलेगा तो पूरा ठंडा नहीं चलेगा जी, मर जाएगा, है कि नहीं, तो सर्वाइव कर पाएगा। तो वहां रेंगने वाला जंतु नहीं पाया जाता है, और साथ ही क्या है कि एम्फीबियन नहीं पाया जाता है, समझ गए ना, मतलब सिंपल भाषा बोले क्या, मेन क्वेश्चन पूछेगा कि वहां पर जो जंतु पाया जाता है वो रेंगने वाला नहीं पाया जाएगा, तो सांप पाया जाएगा, सांप बाबू नहीं पाया जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या है कि एम्फीबियन भी नहीं पाया जाएगा, वो उभयचर, क्या बोलते हैं, उभयचर, वहां पानी है या नहीं है, खाली बर्फ है, तो उभयचर भी बाबू नहीं पाया जाएगा, है ना। आगे आते हैं, अब ये एरिया की बात करते हैं, इस एरिया में पाया जाएगा टेम्परेट फॉरेस्ट, क्या हो, टेम्परेट, क्योंकि इसको मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय बने थे, यहां बोलेंगे शीतोष्ण वन, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण वन, यहां पर क्या बोलेंगे, शीतोष्ण, और यहां पर जो पाया जाएगा इसको ट्रॉपिकल वन, उष्ण कटिबंधीय वन, यहां पर क्या बोले, शीतोष्ण वन, और यहां पर उष्ण कटिबंधीय वन। अब देखिए यहां शीतोष्ण वन हो गया, उष्ण कटिबंधीय वन हो गया, इसको दो भाग में क्या करते हैं, बांध देते हैं, एक को बोलते हैं सादा बहार, एक को डेसी डुगस, एक को बोलते हैं सादा बहार, एक को क्या बोलते हैं, डेसी डुगस बोलते हैं, नहीं ले रहा हो, कम से कम चेहरावा लेकिन देखता है ना तो कनेक्ट हो पाता है, खाली पिक्चरवा रहता है ना, पिक्चरवा नहीं हो रहेगा, चेहरावा देखेगा ना तो लगता है मुस्तरवा पढ़ा रहा, क्या वो, हाँ जी, जैसे देखिए जब ले क्या महीने है ना, देखो और दिखाई दे रहा है ना, हम जाने रहेंगे, देखिए एक दबाना दो दबाना है, अभी एक पर है, आइए आइए, चल बैठो बैठो, अरे जल्दी आओ यार, एकदम लग रहा है कि समधिक हुई है एकदम, है ना जी, लड़का के साथ है ना, बहनो एकदम, चलिए यहाँ पर आइए, हो गया, चलो अब दिखाई दे रहा ना, ऑपरेट करते रहिएगा, हमको सुनते भी रहिएगा, इन्हें खाली वही में लग रहा जाइएगा, सुनिए क्या बोले, जैसे बोल रहे थे बाबू क्या, कि यहां पर बाबू क्या होता है, शीतोष्ण वन, यहां पर उष्ण कटिबंधीय वन, लेकिन वन को भी दो भाग बांट देते हैं, एक को बोलते हैं सादा बहार, क्या बोलते हैं, वन को एक बोलते हैं सादा बहार, आय को बोलते हैं पर्णपाती, पर्ण
पात्र। सादा बाहर को तेवर गेन आबाऊ परपात्र को जैसे ऐसा वन जो हमेशा हरा भरा दिखाई दे, मतलब वहां का जो पेड़ पौधा होगा सारा का सारा पत्तियां एक बार नहीं गिरा रहा है, तो उसको बोलते हैं सादा बाहर। अब ऐसा बाबू जहां पर पत्ती एक साल में एक बार सब गिरा देगा उसको बोलते हैं पर्णपाती। दूर से देगा तो सारा पत्ती उड़ल है, मतलब बाल है या नहीं माथा में, है ना जी, तो बेलछिला दिखाई देगा, सब बिना पत्ती वाला दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं पर्णपाती। आए क्या हो गया सादा बाहर, एकदम हमेशा हरा भरा, एकदम हमेशा बाल उझाड़ एकदम रेडी है कि नहीं, तो क्या हो गया सादा बाहर। तो उसमें कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, तो यहां पर भी दो प्रकार के वन पाया जाएगा, कौची सदाबहार उसमें कटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, और ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। यहां पर भी शीतोष्ण है तो क्या होगा शीतोष्ण बाबू, क्या होगा सदाबहार वन, और शीतोष्ण बाबू हो गया पर्णपाती वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। यहां पर उसमें कटिबंधीय है तो इसको क्या बने, उसमें कटिबंधीय सदाहार वन, उसमें कटिबंधीय पर्णपाती वन। अंग्रेजी में बोलेंगे क्या बोलेंगे ट्रॉपिकल रिजन, तो बोलेंगे ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होगी, यहां तक समझ में गया ना। अब इसमें कुछ और बताने का प्रयास करते, देखिए यहाँ ध्रुव समझ में आ गया कोई नहीं पाया जाएगा, कुंद्रा समझ में आ गया उसके नजदीक होगा, टाइगर उसके क्या होगा नजदीक होगा। अब आते हैं बाबू यहां पर, बाबू क्या है कि टेम्परेट क्या गया, टेम्परेट मतलब क्या हो गया शीतोष्ण, क्या हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, है ना। अब यहां देखिए कुछ एरिया में क्या होगा कि बिल्कुल सदाबहार पाया जाएगा और कुछ एरिया में क्या होगा पत्ता गिरा देगा, तो बाबू जो पाऊ हमेशा रहेगा उसको बोलते हैं सदाबहार, क्या बोलते हैं, और जो गिरा दे क्या बोलेंगे पर्णपाती, क्या बोलेंगे पर्णपाती, हो गया। अब आते हैं बाबू टेम्परेट के बाद क्या आते हैं ट्रॉपिकल, क्या आते हैं ट्रॉपिकल, इसको बोलते हैं उसने कटिबंधी, क्या बोलते हैं उसने कटिबंधीय, तो उसने कटिबंधीय मतलब क्या कि 23.5 ऊपर और 23.5 बाबू नीचे, तो यहां पर ही पाया जाएगा कौन सी सदाबहार, क्या वो सदाबहार प्लस क्या पर्णपाती, पर्णपाती सदाबहार मतलब क्या हो गया एवरग्रीन, अब पर्णपाती मतलब डेसिड्यूस, सदाबहार सारा एक साथ पत्ती नहीं गिराएगा, अब पर्णपाती में क्या होगा एक बार गिरा दे। अब देखिए ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादातर जो वन का प्रकृति होगा कैसा होगा सदाबहार, और जो यहाँ टेम्परेट रीजन में जो वन की प्रकृति होगा ज्यादातर कैसा हो जाएगा पर्णपाती, मतलब बोल सकते सबसे अधिक सदाबहार वन बाबू उसमें कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, सबसे अधिक कहां पाया जाएगा मतलब देखा जाए तो ई एरिया में सबसे ज्यादा क्या पा जाएगा सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट उसने कटबंधीय सदाबहार वन, इसको हम सिंपल से बोले उसने कटबंधीय वन बोल दे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल दे, आज चूंकि बरसात पूरा हो रहा है तो उसने कटबंधीय वर्षा वन बोल दे, या इसी को ट्रॉपिकल बाबू रेन फॉरेस्ट बोल दे बोल दे। अब यह पूरा घना घना होगा सदाबहार, क्या होगा घना घना, अब पूरा जंगल एकदम भर भर के है, भर भर के है, समझ रहा, तो बहुत जंगल जहां ज्यादा होगा तो जंगल क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो बहुत फेफड़ा काम कर रहा है, तो इसको पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं या अर्थ का लंग्स बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा या अर्थ का लंग्स अगर ये काम ना करे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपने जड़ के नीचे ना डाल दे अवशोषित तो ना कर पाए, तब क्या होगा कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तब ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है पृथ्वी को बचा रहा है, तो पृथ्वी को बचाने वाला ही वन हो गया, ये क्या हो गया पृथ्वी को बचाने वाला, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है किस फॉरेस्ट को, किस फॉरेस्ट को बोलते हैं बाबू लंग्स ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का फेफड़ा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया ना। चलिए तो ट्रॉपिकल वाला समझ में आ गया, फॉरेस्ट वाला एक और समझे, देखिए सबसे अधिक अगर वर्षा वन पाया जाता है तो ब्राजील में कहा वो ब्राजील, यहाँ पर अमेजन जंगल भी है, अमेजन नदी भी है, तो यहाँ अमेजन जंगल, फ्लिपकार्ट अमेजन का नाम सुनते हैं, जेकरा पर सामान आप लोग खरीदते हैं बाबू करते हैं ना, तो समझना कि अमेजन का जो वेबसाइट का नाम पड़ा है इसी अमेजन का नाम पड़ा है ना। और यहाँ पर घना घना वन पाया जाता पूरा एकदम, और यहाँ पर एक पौधा पाया जिसको बोलते हैं एपिफाइट्स प्लांट, क्या बोलते हैं एपिफाइट्स, क्या वो एपिफाइट्स, इसको अधिपादप क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा
कि अधि पादप ज्यादातर कहां पाया था, अमेजन जंगल में। अमेजन जंगल कहां, ब्राजील में है। ये बहुत दक्षिण अमेरिका का महादेश है और वहां पर ब्राजील एक देश है जहां रियो बताएंगे, रियो की जनरलों का नाम सुनोगे, आगे आने वाले समय में रियो के बारे में बताएंगे। तो यहाँ दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है ना, अब ब्राजील में अमेजन, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे घना जंगल है। इसको पृथ्वी का लंग्स बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। अगला क्या बाबू बताना, यहाँ जानना है कि यहाँ पर पाया जाता अधि पादप एपिफाइट्स। अधि पादप वैसा पादप होता है जो बाबू क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे के ऊपर रहता है। इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं, आप लोग नेनुआ वगैरह घर हमारा जो पौधा रोपा जाता है, देखे ना लत्ता जिसको बोलते हैं, नेनुआ हो गया, कद्दू, हाँ कद्दू भी है ना, बैगन नहीं, बैगन पेड़ फलता है, बहुत लोग अभी नहीं पता कि बैगन कहाँ पड़ता है, बैगन पेड़ फलता है। जब लत्तर होता है ना, लत्तर वो क्या करता है, देखिए क्या होता है, उसको रस्सी के सहारे या डंटा के सहारे छत पर चढ़ाया जाता है। देखिए सहारा के लिए खाली बाबू क्या है, बाबू डंटी या रस्सी का सहारा ले रहा है, बाकी बोल सकते हैं कि भोजन खुद बना लेता है। पौधा है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन खुद बना लेगा, तो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे बाबू क्या होता है, कई बार पेड़ पर देखिएगा ना, आम के पेड़ अगर आप महुआ के पेड़ जमल है या महुआ के पेड़ पर आम के पेड़ जमल है, जमल होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। हम लोग यहाँ तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अमेजन जंगल में बड़ी पाया जाता है कि कोई पौधा दूसरे के ऊपर जम गया, भोजन खुद बनाएगा लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो एपिफाइट्स कहां पाया जाता है, ब्राजील में अमेजन जंगल में है ना, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगला क्या बोले बाबू, कि एपिफाइट्स बाबू अपना भोजन बनाता है, बनाता है, ये किसके लिए डिपेंड रहता है, मैकेनिकल सपोर्ट पर, समझ में गया। तो ये क्या हो गया, अधि पादप एपिफाइट्स हो गया, ये समझ में गया ना। अब आते हैं और कुछ इसके अलावा क्या कि सब है तो यही एरिया में, लेकिन कुछ कुछ एरिया क्या है, रेगिस्तान है, क्या हो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में अलग प्रकार का जीव जंतु पाया जाएगा। रेगिस्तान में क्या होगा, अलग रेगिस्तान में जो जीव जंतु पाया जाएगा वो क्या होगा बाबू, थोड़ा पैर जो होगा गद्दीदार होगा, पैर क्या होगा गद्दीदार होगा, अब पैर क्या होगा लंबा लंबा। पेड़ पौधा के बारे में बता चुके हैं पहले, फिर बताते हैं, पेड़ पौधा जो होता है ना अपना बाबू पत्ता को कांटा में बदलता है ताकि पानी का लॉस कम हो, और बाबू जो उसका तना होता है गुदार होता है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, और जड़ पानी खोज में अंदर चला जाता है। आई दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेगिस्तान पौधे क्या क्या वनस्पति, रेगिस्तानी वनस्पति या पौधे या क्या क्या विशेषता, तो क्या विशेषता, पहला बाबू जो पत्ती होता है कांटेदार होता है, तना गुदार होता है, और जड़ क्या होता है लंबा और यहां लग पाया जाएगा। इसके अलावा क्या है, कुछ एरिया में लग रहा है वहां पर घास के मैदान पूरा, क्या घास के मैदान है, जैसे यहां पर बताते हैं, यहां पर देखिए क्या उत्तरी अमेरिका, क्या उत्तरी अमेरिका, मैप पर फोकस कीजिए बाबू, मैप पर जरा फोकस कीजिए, तुम दू 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 बाबू दू दम लेगा लेगा उसको जगह से लीजिएगा था ना। चलिए आइए यहां पर, जैसे यहां पर उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ घास के मैदान पाया जाएगा, प्रेरी क्या हूं है ना। और इसके अलावा क्या बाबू कि यहाँ पर पंपास, यहाँ पर क्या है पंपास, यहाँ पर क्या है पंपास, समझ में आ गया। एक चीज यहाँ पर और बताना रह गया, यहाँ पंपास हो गया है ना। इसके अलावा और भी हम ज्योग्राफी बताएंगे, मेन बताते हैं, यहाँ दक्षिण अमेरिका में क्या हो गया, अफ्रीका में, अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में बेल्ट, अफ्रीका में क्या हो गया बेल्ट। और यहां पर बाबू यहां पर कहां चल गया, यहां पर जहां पर एशिया यूरोप क्या होता है मिलता रहा, उसको स्टेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टेपी, न बोलता है कि अपने जीवन को सुधारना है तो कुछ स्टेप उठाना होगा, मतलब स्टेप उठा के यहां से वहां जाना, तो एशिया से कहां जाना है यूरोप जाना है, तो क्या हो गया स्टेपी है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया डाउंस हो गया। तो फिलहाल इतना याद कीजिए, ये एरिया घास के मैदान है, घास के मैदान है तो वहां घास पूरा होगा, तो घास को खाने का होने का शाकाहारी, तो सबसे अधिक बाबू सबसे अधिक शाकाहारी चलो सबसे अधिक शाकाहारी कहां पाया जाएगा ग्रासलैंड में, कहां वो ग्रासलैंड हो गया ना, तो मतलब वहां पर घास ज्यादा पाया जाएगा, तो घास पाएगा तो शाकाहारी जीव जंतु आ जाएगा, और प्लस अधिकतर जो जीव जंतु होगा अपना घोंसला कहां बनाएगा नीचे, वहां घास ही है, पेड़ पौधा कहीं कहीं दिखाई दे दिया, बाकी क्या होगा घास वह है, ग्रासलैंड क्या हो गया विशेषता। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की विशेषता बाबू दिखाई दे रही है जंतु में। अब इसके अलावा क्या होता है, एक बार क्या होता है बोल सकते हैं सवाना, क्या हो सवाना वनस्पति, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है फिर का, दिखाई दे रहा है फिर का ये एरिया बाबू,
यहां पर सवाना प्रकार के वनस्पति पाया जाता है। इस एरिया में भी क्या होता है, घास पाया जाता है अधिक, क्या हो, घास पाया जाता है अधिक। अब घास जब अधिक पाया जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि घास चरेगा शाकाहारी, तो साथ ही क्या होता है कि यहां पर उसमें खाने वाला मांसाहारी भी आ जाएगा। ग्रासलैंड में मांसाहारी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जहां सवाना प्रकार के वनस्पति बोल रहे हैं वहां पर घास रहेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, वो मांसाहारी है। चीता हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, यहां पर अधिक पाया जाएगा। तो क्या हो गया, सवाना प्रकार के वनस्पति क्या हो गया, विशेषता। आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा सवाना कहां पाया जाता है अफ्रीका में, और कुछ नहीं पूछेगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन यहां से निकलेगा हम बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए सबसे पहले कि ध्रुव पर बायोम पाया जाता है। पहले बायोम क्या होता है, बायोम होता है जहां पर बाबू क्या जीव हो, और अलग अलग एरिया में अलग अलग जीव होता है उसी को बोलते हैं बायोम। तो पहले तो ध्रुव पर कोई नहीं पाया जाएगा, बायोम पाया नहीं जाएगा। उसके नीचे ये टुंड्रा और उसके नीचे टैगा, मतलब ध्रुवीय इलाका के आसपास टुंड्रा और टैगा प्रकार का वनस्पति पाया जाता है। टैगा को बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछेगा किसको बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं, टैगा को। और उसके नीचे ये तो टेम्परेट क्या आ जाएगा, टेम्परेट। और टेम्परेट वन जो होता है, एरिया जो होता है, दो प्रकार का जंगल पाया जाता है, सदाबहार पर्णपात। ज्यादातर यहाँ क्या पाया जाएगा, पर्णपात है ना। अब आते हैं बाबू क्या ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में दो प्रकार के, सदाबहार पर्णपात है, लेकिन ज्यादातर क्या पाया जाएगा, आज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसमें कटिबंधीय वर्षावन, और इसको बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। और यह ज्यादातर पाया जाता है कहां, ब्राजील में, अमेजन में, क्या हो अमेजन है ना, पूरा घना घना जंगल, पूरा ऊंचा ऊंचा पेड़, पूरा एकदम जबरदस्त है ना। और वहां पर एक पाया जाता है सेल्वास वन, वहां जंगल का नाम क्या है, सेल्वास, अमेजन जंगल के अंतर्गत क्या हो, सेल्वास। एक क्वेश्चन दरोगा पूछा जा चुका है कि सेल्वास मिला है कभी, देखे क्वेश्चन, खाली एकदम सोचते हैं कि कोची कोची बोल रहे हैं, ढेर देखता ना कि खाली बोलते क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देखिएगा था ना बाबू, हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, आप भी देखिएगा था ना पता चलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि सेल्वास वन बाबू जो होता है कहां पाया जाता है, ब्राजील में। ये किस प्रकार का वन होगा, उसने कटिबंधीय, अभी तक इतना डीप करके नहीं पूछ रहा, सिंपल पूछता है कि सेल्वास वन कहां, ब्राजील में। तो बायोडाइवर्सिटी मोटा मोटी समझ में आ गया है ना, ये तो बीच में समझ में आ गया कि बायोडाइवर्सिटी कहां कहां पाया जाता है। और हम तभी भारतों को देख लेते हैं, क्या वो भारत को, तो एक बार आते हैं कि भारत में ज्यादातर बायोडाइवर्सिटी कहां पाया जाएगा, तो इस मैप को लगाते हैं जरा बाबू। देखिए ये जो एरिया क्या वो, ये जो एरिया है भारत में सबसे अधिक बरसात, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिम है ना, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में वर्षा की कमी होता, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पेड़ पौधा की भी कमी। जबकि पश्चिमी घाट की बात करते हैं, महाराष्ट्र के हिस्सा, कर्नाटक, केरला इलाका में, यहाँ पर वर्षा एकदम गर्दा होता है, पूरा जबरदस्त है ना, और यहाँ पर वन भी जबरदस्त होता है। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, जबरदस्त। और इसके अलावा इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं, या पूर्वोत्तर भारत, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत, या पूर्वी हिमालय भी बोल सकते हैं, पश्चिम हिमालय नहीं, पश्चिम हिमालय में पूरा क्या होता है बाबू, खाली बर्फ जमा रहता है, तो वहां बाबू बायोडाइवर्सिटी होगा, लेकिन ये इलाका में पूरा पाया जाएगा। भारत में और विश्व में सबसे अधिक बरसात होता है मेघालय में, मेघालय के महासिंदरा। भारत और विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां, अब महासिंदरा कहां हो गया, महासिंदरा यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर हो गया मेघालय में। कोई दिक्कत हुआ तो मैप को जूम कीजिए तो बाबू, क्या रुकी रुकी कर देते हैं। देखिए यह जो है क्या, वो मेघालय है, क्या है मेघालय, अब मेघालय में क्या है, महासिंदरा में क्या है, महासिंदरा, यहाँ दुनिया का सबसे क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। आई पूरा एरिया में दिखाई दे, पूरा एरिया दिखाई दे रहा ना, ये पूरा एरिया में क्या होता है, बरसात होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू है ना। तो यहाँ पर जैव विविधता भी क्या होगा, रेला पाया जाएगा, जैव विविधता भी क्या होगा, पूरा पाया जाएगा है ना। मतलब बोल सकते हैं बाबू कि हमारे देश में पश्चिमी घाट में कहा, जानते हैं क्या होता है, मुहा भी नहीं सकरे पड़ता है ना। चलिए ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाया जाएगा, पश्चिमी घाट में। अब जानते हैं बाबू, सुनिए आपको बाबू ऑप्शन हो सकता है ऐसे ना दे, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है बताइए, ऑप्शन देते हैं बाबू सुनिएगा। एक है बिहार, एक है जम्मू कश्मीर J&K, एक है केरल, एक है राजस्थान,
तो पहले देखना पड़ेगा कौन कहाँ है बाबू। जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाएगा, बिहार में बाबू, केरल में, देख रहे ना। तो यहाँ पर जैव विविधता कहाँ पाया जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। और बाबू क्या यहाँ का राज रहेगा, सुनिएगा, यहाँ के और यहाँ का रहेगा तो इधर वाला कैंसर बनाना। मान लीजिए ऑप्शन में केरल भी दिए हुए है, आगे हेने का राज दिया हुआ तो कौन बनाएगा यहाँ, क्योंकि इधर के अपेक्षा इधर क्या जंगल बाबू ज्यादा है। मतलब सबसे अधिक भारत में जंगल और जैव विविधता कहाँ है, यहाँ पर, और उसके बाद बाबू यहाँ पर। तो जैव विविधता का कंसेप्ट समझ में आ गया, भारत में विश्व में कहाँ कहाँ होता समझ में आ गया है ना। मतलब 0 डिग्री के आसपास, ऊपर में थोड़ा थोड़ा नीचे में, यहाँ पर जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। और भारत में पश्चिमी घाट में और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। हाँ बोलिए। क्या हो, नहीं पूरा विश्व के पढ़िएगा तब भारत के पढ़िएगा, पहले विश्व के समझना जरूरी है, उसके बाद क्या करना है भारत के समझना जरूरी है ना। ना कोई जरूरी नहीं है। देखिए भारत का जो डाइवर्सिटी है ना, यहाँ अलग अलग प्रकार के पाया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब प्रकार के पाया जाएगा। हालांकि देखिए भारत ऐसा लोकेशन पाया होगा ना कि यहाँ सब तरह की चीज मिल सकता है, लेकिन आप बोलिए क्या हो सकता है अंटार्कटिका वाला माहौल यहाँ ना मिले। हालांकि बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर ऊपर में जाइएगा तो मिल सकता है, लेकिन वही बताने का प्रयास करें कि भारत में लगभग लगभग हर एक प्रकार का यहाँ विविधता पाया जाता है, हर एक प्रकार का चीज मिल जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब पाया ही जाएगा। हर एक प्रकार मिल सकता, लगभग मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल सकता। किसान ना रहा, वो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भारत, क्या वो पहले वर्ल्ड समझना पड़ेगा तब भारत समझना पड़ेगा। देखिए मानसून पे अगर बताएंगे जो रही बताएंगे टेंशन मत लीजिए। ये जो देखिए हवा आता है ना तो समुद्र के रास्ते आता है, भारत के लोकेशन के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि भाई कैसा बरसात हमारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ का, अरे इंडिया की बात है, यहाँ पर अलग तरह का बरसात होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। तो मानसून बाबू क्या था, पानी के, हवा आता है ना तो हवा पानी के द्वारा आता है, पानी के ऊपर से आता है, तो पानी को खींच करके लेकर आएगा वही ना पानी पड़ेगा जी। तो समझना पड़ेगा बाद में ज्योग्राफी में, ठीक है ना। चलिए हो गया, चलिए। तो आपको जैव विविधता भी समझ में आ गया बाबू। अब आते हैं बाबू अगला टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या वो क्या है बाबू, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। चेहरा पर रौनक नहीं दिखाई दे रहा है जी, लग रहा कि मैयत में आए हुए हैं। सुनिए अगला टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब देखिए हमको बाबू क्या है कि ऐसा जगह चूज करना है जहां पर क्या कि बायोडाइवर्सिटी पूरा है लेकिन उसको बचाने की आवश्यकता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा, देखिए बायोडाइवर्सिटी ऐसा एरिया होता है जहां पर जो तो पूरा पाया जा रहा है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वैसा एरिया होता है जहां पर डाइवर्सिटी तो था रेला लेकिन पूरा लॉस हो रहा, पूरा क्या हो रहा लॉस, यहाँ अलग अलग प्रकार का जीव जंतु वगैरह था, जंगल था, लेकिन सबका तेज से क्या हो रहा है विनाश हो रहा है। तो उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और जब इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे आप एगो नॉर्मल है, एगो इमरजेंसी है, आपको तुरंत पकड़ के डाल दिया जाएगा इमरजेंसी वार्ड में, तो इसी बाबू क्या हो गया हॉटस्पॉट अगर डिक्लेयर कर दिए तो ये क्या हो गया इमरजेंसी, और इसको अर्जेंट तरीके से बचाना क्या है जरूरी है, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं ना। अब देखो पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में क्या है 36 क्या हो 36 को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब कहां कहां समझने की आवश्यकता नहीं है, बस जान लीजिए क्या 36 को है। भारत में कितना है 4 हो, भारत में कितना है 4 हो, फिलहाल समझिए कि पूरे विश्व में कितना है 36 गो, भारत में 4 गो। हालांकि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में 4 गुना है, क्या है 1 है 2 है 3 है आपके पास 6 है, कौन बनाएगा 3 बनाइए, ऑप्शन के अनुसार भी बनेगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर क्या हो कि पूरा बायोडाइवर्सिटी हो, पहला क्या है कि पूरा बायोडाइवर्सिटी हो, और प्लस क्या है कि सब देशी प्रजाति क्या हो, देशी प्रजाति मतलब ये है कि क्या हो मूल निवासी हो। जैसे यहां अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है
तो यही क्या है, पूरा निवासी हो, बाहरी की नहीं। एक होता है एलियन स्पेसिस या इनवेजिव स्पेसिस, जो बता चुके हैं, ये क्या होता है, बाहर से आया हुआ स्पेसिस होता है। आए क्या, यही क्या, नेटिव, क्या हो गया, नेटिव या इंडिजेनियस, नेटिव या इंडिजेनियस, तो ये हो गया देसी प्रजाति हो। अब प्लस क्या है, किसका तेजी से लॉस हो रहा है, क्या वो तेजी से लॉस हो रहा है, मतलब तेजी से क्या हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, 70% लगभग खत्म हो चुका है, मतलब पूरा खत्म हो गया ना जी। आओ पछता तो होता क्या, जब चिड़िया चुने खेत, सब खत्म हो गया, तन दिन रुकता है। इसलिए इसका आलोचना किया जाता है कि जब आपको कोई एरिया को बचाना ही है तो पहले ही से प्रयास कीजिए। जब खत्म हो जाता है तब आते हैं हॉटस्पॉट क्लियर करते हैं, तब कहते हैं कि अब आपको बचाना है, तो बचाने कोई फायदा है, अच्छा तो ही ना होगा कि पहले ही इसको बचाने का प्रयास किया जाए। तो यहां पर क्या कि तेजी से देसी प्रजाति हो, और ज्यादातर क्या हो इंडिजेनियस हो, ज्यादातर क्या हो देसी है, और उसका तेजी से क्या हो लॉस हो रहा है, लगभग 70% लॉस हो चुका है, तब उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉट रिजर्व, और फिर उसको बचाने का जबरदस्त तरीके से प्रयास किया जाता है। समझ में आ गया, चलिए, मतलब बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का बचाने क्या है तरीका है, तो बोल सकते हैं कि यह कंजर्वेशन मेथड है बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण करने का तरीका। ऐसे हजार तरीका हो सकता है, उसमें क्या एक तरीका ये है कि उसको डिक्लेयर करो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगला थोड़ा दिन बताएंगे इको सेंसेटिव जोन पहले बता देते हैं। अब भारत में बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहां कहां बाबू है, समझाते हैं। पहले तो क्या है कि पूरा पश्चिमी घाट, क्या हो गया पूरा, और इसमें श्रीलंका भी शामिल है, सुनिए, इसको बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वन है। इधर से भी तुलना कर सकते हैं, हम यहां से शुरू कर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका ये भी क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक समझना क्या कि पहला भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन है, क्योंकि यहां पर बहुत सारा जीव जंतु वगैरह है बाबू, लेकिन तेजी से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। इसके लिए दो कमिटी थोड़ा देर में बताने वाले हैं, एक बताएंगे गाडगिल कमीशन, क्या वो गाडगिल कमीशन, हालांकि गाडगिल आपको इकोनॉमिक्स में पाया जाएगा, वो अलग चीज है ना। एक है कस्तूरी रंगन, क्या है कस्तूरी रंजन या रंगन, जो भी बोलिए, रंजने बोलते हैं, हमारा नाम भी उसी में है ना, कस्तूरी रंजन। एक है गाडगिल कमीशन, ये क्या है पश्चिमी घाट को बचाने से संबंधित बाबू है। एक हो गया अगला बाबू, ये वाला, इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय, क्या बोलते हैं पूर्वी हिमालय, क्या हो गया पूर्वी हिमालय। अच्छा पूर्वी हिमालय में पूरा बोल सकते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट, क्या पूरा नॉर्थ ईस्ट को शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर सात गुराज है ना, इस सातों को शामिल कर सकते हैं, तो चाहे तो आप पूर्वी हिमालय बोले। देखिए क्या क्या बोलेंगे, एक तो बोले बाबू क्या पश्चिमी घाट, क्या बोले पश्चिमी घाट, अंग्रेजी बोलेंगे वेस्टर्न घाट, और अगला क्या हो गया पूर्वी हिमालय, क्या वो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय नहीं बाबू, कौन हिमालय, ये सब हो गया पश्चिमी हिमालय, कौन बात करते हैं पूर्वी हिमालय की। और अगला आते बाबू इंडो बर्मा, क्या बाबू इंडो बर्मा, देखिए दोस्त ये आपका देखिए दिखाई दे रहा है इंडिया, तो इंडिया का इंडो हो गया, और इसके बगल में क्या है बर्मा, तो इंडो बर्मा के एरिया, इंडिया का भी कुछ एरिया अपने बर्मा के भी एरिया, इंडिया के भी एरिया शामिल है और बर्मा के भी, तो इसको बोलते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र, क्या बोलते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र, तो तीन को हो गया। एक यहां दिखाई दे रहा अंडमान निकोबार, ये अब क्या हो गया अंडमान निकोबार, तो इसको बोलते हैं अंडमान, क्या बोलते हैं अंडमान बाबू या निकोबार, और इसको बोलते हैं सुंडालैंड, क्या बोलते हैं सुंडालैंड। देखिए सुंडालैंड में अंडमान निकोबार शामिल होता है, और यहां पर क्या बाबू इंडोनेशिया है, क्या इंडोनेशिया है मलेशिया वगैरह, क्या इंडोनेशिया है मलेशिया है, वो सब क्या आता है सुंडालैंड में शामिल होता है ना। तो फिर से आते हैं, भारत विश्व में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, विश्व में 36 गो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगला क्या बोले भारत में कितना है, चार गो में पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, अब इंडो बर्मा, अच्छा पूर्वी हिमालय इंडो बर्मा मिलाकर क्या बनता है पूर्वोत्तर, क्या बनता है नॉर्थ ईस्ट, क्या बनता है, और एक हो गया अंडमान, इसे बोलते हैं सुंडालैंड, क्या बोलते हैं सुंडालैंड, ये चार को क्या हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गई है ना, ये सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब थोड़ा समझाते हैं ये वाला पश्चिमी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में, और एक कंसेप्ट बताएं ESZ इको सेंसेटिव जोन, इको सेंसेटिव जोन। देखिए क्या जैसे बाबू ऐसा देखिए पश्चिमी घाट में क्या बोले कई सारा जीव जंतुओं का निवास स्थान वगैरह है, लेकिन इसका तेजी से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का तेजी से लॉस हो रहा है। अब फूड चेन फूड वेब में कंसेप्ट बताया था, याद कीजिए कि अगर कोई जीव जंतु की संख्या घटता है तो यह पर्यावरण के लिए या प्रकृति के लिए अच्छा बाबू नहीं है,
तो मतलब किया जो लॉस हो रहा यह पढ़ाने के लिए अच्छा है, उसको बचाने की आवश्यकता है। तब अब दो कमीशन बनाया गया, एक का नाम था गाडगिल कमीशन, एक का नाम था कस्तूरी रंजन। इन्होंने क्या बोला कि पूरा जो एरिया है इसको डिक्लेयर कर दो इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन। ये बोल रहे हैं फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं ना है, इको सेंसिटिव जोन। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है कि ESZ का फुल फॉर्म क्या होता है, इको सेंसिटिव जोन। मतलब पर्यावरण, पर्यावरण से क्या बहुत ही सेंसिटिव है। अगर सेंसिटिव मतलब क्या है कि अगर आपको हम इसे छू दिए आपका चेहरा में पूरा दागी हो गया, ऐसा होता है। जैसे आप कहीं गए ना तब प्रदूषण से क्या होता है, चेहरा वगैरह खराब होने लगता है ना, तब उसके बाद क्रीम आता है, आता है ना जी। तो मतलब क्या बोले कि ऐसा क्षेत्र जो क्या है सेंसिटिव है उसको बचाने क्या है आवश्यकता है। तो इको सेंसिटिव क्षेत्र अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उसके 10-12 किलोमीटर तक कोई भी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, कोई वहां से खनिज नहीं निकाला जाएगा, कोई माइनिंग नहीं होगा। अरे हमारे यहाँ तो जानते हैं सैंड माफिया, तो अलग अलग तरह के माफिया, कोई पेड़ काटे वाला माफिया है, तो कोई बालू निकाले वाला माफिया है, तो कोई खनिज निकाले वाला माफिया है ना। एक KGF सिनेमा देखे थे ना, उसमें कोयला क्या बोलते हैं सोना, सोना निकलता था। तो मतलब कहने का मतलब कि सब निकालेगा वहां से, तो वहां निकालने के लिए पेड़ पौधा काटे पड़ेगा ना जी, तो खराब हुआ कि नहीं होगा। तो इसलिए बोला कि इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने पर 10-15 किलोमीटर एरिया में कुछ भी एक्टिविटी बाबू नहीं हो, तो इसे विकास कार्य क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यही तो दिक्कत है, एक तरफ हमको विकास भी करना है आप पर्यावरण को भी बचाना है। तो इसीलिए विकास खाली नहीं करना ना, खाली पर्यावरण को बचाना है, हमको सतत विकास करना है। हम भी विकास कर जाए, पर्यावरण बच जाए, मतलब दोनों काम बाबू आपका हो जाए, बैलेंस तरीके से हमें क्या करना लेकर के चलना है। ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, गाडगिल योजना और गाडगिल कमीशन और कस्तूरी रंजन कमिटी का संबंध किसको है, किससे है, पश्चिमी घाट को बचाने से, पश्चिमी घाट को बचाना है। तो यहां से ही क्वेश्चन आपको निकल रहा था, यहां से वही क्वेश्चन आपको निकल रहा था, हो गया ना। चलिए तो बचाने का तरीका क्या देखे, पहला तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इसको डिक्लेयर करो, अगला क्या होगा उसको ESZ डिक्लेयर करो, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करो, अगला तरीका क्या है उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करो, क्या हो प्रोटेक्टेड एरिया। अब अगला समझाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया। हेडिंग क्या हुआ, कंजर्वेशन एफर्ट, क्या हुआ वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का संरक्षण क्या हो गया, जैव विविधता का संरक्षण। अब देखिए पहले समझिए क्या है कि जैव विविधता को संरक्षण करने का दो तरीका है, कि जो जीव जंतु जहां पर है वहीं पर उसको इलाज कर दो। आपका दादा की तबीयत खराब हो गया जबरदस्त तरीका से, है ना, अब घर क्या होगा, वो जगह ठीक करने लग रहेगा तो गांव का झोला छाप डॉक्टर को बुलाइए, दुगो ललका दुगो पियरका है ना जी, दवाई दे देगा आ दो कोई सन का घोप देगा कुछ हो, पता ना जी, अब होगा तबियत ठीक हो गया वहीं घरे बचा लिए। लेकिन अब क्या उस सुई दिया तो ठीक नहीं हुआ जी, तब होगा जहानाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। मतलब देखिए एक तरीका क्या है कि जहां है जहीं बचा लो, दादा के तबियत खराब हुआ घर ही सुई दिला के इलाज करवा लो, है ना, एक घर में हो गया, एक घर से बाहर लेकर के, समझा गया। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, जो हम कंजर्वेशन एफर्ट कर रहे हैं उसको दो भाग में बांट दिए, एक को बोलते हैं इन सीटू, क्या बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, एक को एक सीटू। अब इसका हिंदी जिसको शौक होगा देख लीजिएगा। अब देखिए समस्या क्या है ना कि इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है या टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है इसमें अंग्रेजी टर्म भी ज्यादा पढ़ना होता है। अच्छा दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चा बोलता है कि अंग्रेजी ज्यादा बोलिएगा और कुछ बच्चा बोलता है कि हिंदी ज्यादा बोलिएगा। कल एक बच्चा बोला कि सर हम हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हैं, है ना सर, अंग्रेजी थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, बता रहे हैं, उसको दिक्कत नहीं हो रहा, वो दिमाग में डाल लिया है। देखिए बता रहे हैं कोई भी नया कंसेप्ट आपको बताएंगे तो पहला बार समझने में तो परेशानी हो भी करेगा, तो उसको क्या दिमाग में जाएगा ना कि हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं ना, खूब गलत दिक्कत होता है ना। आप तो हमसे कई गुना तेज स्टूडेंट हो जी, आजकल के जैसे क्या होता है तेज होता है, आप प्लस क्या हो सकता है बहुत सुविधा में पढ़ाई की होंगे, हम भाई चला वाला आदमी से सब सीख सकते हैं बाबू, समझेगा, दसवां तक जबरदस्त तरीका से भाई चलाए हैं, मुरेटा बहाने खाला तिरंगा गोरिया फार के जा झार के। अरे यही सब गाना पहले चलता था, है ना जी, पहले गुड़रंगीला के गाना चलता था, 80 ना 85 हमारा 90 चाहिए। चलिए यहां पर आते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब सोचिए, मतलब सोचने की बात है, वहां से
माने दसवां तक बोल सकते हम खाटी भाई चलाने वाला बाबू। लड़का अगर अपने से बिना ट्यूशन कोचिंग के बता रहे हैं, हमारा मैक्सिमम जो पढ़ाई हुआ बाबू क्या हुआ, सेल्फ से हुआ। अगर वहां से हम कर सकते हैं बिना किसी ट्यूशन कोचिंग के हेल्प के बाबू, आप लोग तो हेल्प मिल रहा वो, प्लस क्या कि आप लोग दिमाग हमारे पीछे जाते होगा, प्लस अब पहले इससे गरीबी नहीं रह गया। आजकल क्या होता है, गार्जियन भी समझदार हो गया, पहले गरीबी नहीं होते हुए गार्जियन पढ़ नहीं देता था, लगे वही में रह रहा है। आजकल गार्जियन क्या होता है, कम से कम पढ़ाता तो है कि नहीं बाबू, समझे। तो हम बाबू भाई चरावे से यहां तक आ सकते हैं, समझेगा, तो आप बाबू नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो बाबू आप दिमाग से पहले निकाल दीजिए, सब ऑनलाइन वाले ज्यादा बता रहे हैं, आप लोग यहाँ तो समझाते समझाते समझाइए देंगे जी, है ना। ऑनलाइन वाला साथ फूर में है ना, तो नहीं ना दिखाई पड़ता है, वो खाली चेहरे में दिखाई देता है, एक्सप्रेशन वहां दिखाई उसको देवे नहीं करता है, इसलिए आंख में आंख डाल के देख रहे हैं, ठीक ना, नहीं तो फिर काल मंडरा आ जाएगा। चलिए ना कहते हैं इन सीटों, मतलब क्या है, जहां है जही बचा लो, एक सीट मतलब उसको वहां से निकालो दूसरा जगह बचाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते क्या है कि बाबू ई एरिया में क्या देखे बाघ बैंक की जनसंख्या कम रहा, उसको वही बचा लीजिए, वही बचा लीजिए। अगला क्या है कि वहां एक एक बाघ है बचल रहे, एक बाघ है वो बाघनी जी, अब बाघ में से वो एक खत्म हो गया, पूरा काम तमाम है, तो बाघ और बाघनी को ले आएंगे और लुका के उसको रखेंगे और सब सुविधा देंगे कि लो भाई जनसंख्या बढ़ाओ, है ना, तो जनसंख्या बढ़ेगा जी। तो उसको बाबू क्या है कि अपना घर से दूसरा जगह लेके चले आए तो होता है एक्सिट। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे बाबू यहां पर क्या है कि नेशनल पार्क, क्या वो नेशनल पार्क, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पार्क, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी सामुदायिक रिजर्व बोलते हैं, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। सिंपल भाषा में कुछ नहीं समझना है, जो जहां है वही बचाओ, तो जहां वही उसे एरिया को घेर दो जी, और उसको बचाने का प्रयास करो, उसे बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन। अब क्या है कि उसको दूसरे जगह लेकर के बचा रहे हैं, उसको एक सिटू क्या बोलते हैं, एक सिटू। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे बाबू क्या है कि हमारे यहाँ चीता लाया गया है नबेबिया से, अगर नबेबिया में चीता है, नबेबिया में बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो गया इन सिटू, नबेबिया से कहां लेकर गए इंडिया में, तो उसको अपना जगह से हटा दिया जी, तो इन सिटू है कि एक सिटू, क्या हो गया एक सिटू, मतलब कोई जीव को उसके प्राकृतिक आवास से दूसरी जगह लेकर चले जाएंगे वो क्या हो जाएगा एक सिटू। आप आओ चिड़ियाघर, क्या हो गया चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में खाली चिड़िया नहीं रहता है, चिड़ियाघर में चिड़िया ज्यादा टंगी कर रहा तो बाहर के लोग रहता है जी, देखा ना एक से खतरनाक टाइप पहुंचा रहता है। चलिए तो समझिए कि चिड़ियाघर में भालू है, शेर है, कुत्ता है, मैना है, बिलाई है, अलग अलग रहता है ना, क्या उसका प्राकृतिक घर वही है, उसको तो लाया ना गया जी, उसको कहीं से लाया गया, उसको रखा जा रहा है लोग को दिखाने के लिए। तो चिड़ियाघर बाबू इन सिटू में, एक सिटू में, एक सिटू में हो गया। चिड़ियाघर को बोलते हैं जू, क्या बोलते हैं जू, पटना के जब बाबू चिड़ियाघर में गए हो, है ना, तो वहां पर देखिए अलग अलग जीव जंतु रहता है, तो क्या है एक सिटू। अगला क्या, बोटनिकल गार्डन, क्या हो गया बोटनिकल गार्डन, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, जैसे कई जो एरिया होता है ना जहां पर रिसर्च किया जाता है, जैसे कोई पेड़ पौधा क्या हो रहा है खराब हो रहा है, या पेड़ पौधा की जनसंख्या क्या हो रहा है घट रहा है, तो उसको प्राकृतिक प्राकृतिक जो पर्यावरण तो उसे निकाल करके एक बार उसी तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और वहां उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई पौधा समाप्त हो रहा है, कोई चीज समाप्त हो रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे उसको बाबू क्या करेंगे कि बाबू मानव क्या करेगा वैज्ञानिक तरीका से उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। जैसे नर्सरी के नाम जानते हैं ना, नर्सरी बाबू नर्सरी क्लास से होता है, नर्सरी जहां फूल पौधा वगैरह लगाया जाता है ना और उसको बाद में बेचा जाता है, नहीं गांधी में देखना क्या होता है लोग बेचता है, तो नर्सरी है, ये भी क्या हो जाएगा बोलिए एक सिटू, क्या हो जाएगा एक सिटू। तो इन सिटू एक सिटू समझ में आ गया, बाकी ऑप्शन में क्या देता है उसके अनुसार बना लीजिए, इन सिटू जहां उसको घरे में बचाने का प्रयास करें, एक सिटू घर से निकाल दो आप बाहर बचाओ, वो क्या हो गया एक सिटू, है ना। इसका एग्जाम्पल नेशनल पार्क याद रखिएगा, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया चिड़िया। अब समझाते हैं नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, समझ में। चलिए
पहले नीचे वाला समझाते कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय। अगर कोई एरिया को मान लीजिए जहानाबाद है, जहानाबाद मान लीजिए कोई जंगली एरिया है, कोई तालाब वगैरह, कोई तालाब भी हो सकता है, कोई जंगल भी हो सकता है, वो कई सारा जीव जंतु क्या है, निवास स्थान है। अब उसको बचाएंगे तो जहानाबाद के लोगों को भी फायदा होगा ना, और साथ ही क्या है कि वहां से घास उसमें लेगा, कुछ मछली वगैरह आएगा तो उसको आप ले जाकर मार के आप भी खा सकते हैं, है ना, और वहां पर पेड़ पौधा का उसका फल आप भी खा सकते हैं। अगर पूरा समुदाय, समुदाय में अलग अलग जाति धर्म सब आ गया, समुदाय में क्या आ गया, पूरा जाति धर्म सब आ गया, जहानाबाद के पूरा लोग अगर मिल करके उसको बचाने का प्रयास करेगा बाबू, तो उसे क्या बोलेंगे, कम्युनिटी रिजर्व। क्या बोलेंगे, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व था गोगाबिल। गोगाबिल कहां है, कटिहार में। गोगाबिल कहां है, कटिहार में। तो वहां कटिहार में गोगाबिल जो झील है बाबू, वहां क्या किया गया, पूरा कटिहार के लोग क्या करेंगे, मिलकर बचाएगा। आज सरकार को क्या देगा, इसको बढ़ावा देगा, सरकार क्या देगा, बढ़ावा। सरकार और बताए कैसे इसको बचा सकते हैं, हो सकता है तो कुछ प्रोत्साहन राशि भी दे दें, किलो भाई बचाओ तुमको 100 रुपया, तुमको 200 रुपया, तुमको 500 रुपया, तो इससे बढ़ावा मिलेगा। तो एक कम्युनिटी रिजर्व समझ में आ गया, समुदाय मिलकर बचाता कोई एरिया को तो बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार कहाँ है। अब आते हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए इसको समझने के लिए पहले क्या है, कोई जंगल को समझना पड़ेगा, कोई जंगल को समझ, कोई जंगल होता ना तो जंगल में क्या करते हैं, तीन भाग में बांटते हैं, कितना भाग में बाबू, तीन भाग में। ये हो गया कोर जोन, क्या हो गया, कोर जोन। ये हो गया बफर, क्या हो गया, बफर जोन। ये हो गया ट्रांजिशन जोन, क्या हो गया, ट्रांजिशन जोन। तो कोई जंगल होता है, जंगल को बाबू क्या करता है, तीन भाग में बांट देते हैं, कोर जोन एकदम कोरा है, कोरा में सबको जाने की अनुमति नहीं है। जैसे आपका किसी का मम्मी है तो मम्मी के कोरा में कोई जा सकता है, मम्मी कोरा में बच्चा जा सकता है ना। अब बच्चा के क्या है, मान लीजिए समझे कोई अनजान लेके अभी खिला रहा है तो अगर पप्पू कोरा में जा सकता है कि हम बैठेंगे, नहीं जी, वो तो भाई झाड़ू क्या होता है, जूता चप्पल भी खाने लगेगा, मतलब कोरा में सबको के जाने की अनुमति नहीं है, है ना। तो समझे कोर जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं होता। यहाँ पर कौन जाएगा, ऑफिसर जाएगा, कौन जाएगा, ऑफिसर। देख रहे जैसे बच्चा जा रहा था ना जी, अब मान लेते क्या है कि छोटा बड़ा, छोटा मोटा बच्चा है, बच्चा के पापा पर तो नहीं जा सकता है, वो जाएगा तो भाई लात खा के आएगा। अगला आते हैं बफर जोन। बफर जोन ऐसा एरिया होता है जहां पर क्या है बाबू कि थोड़ा बहुत क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, मानव क्रिया थोड़ा बहुत किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई रिसर्च वगैरह करना चाहता है, या पूछ सकते हैं क्या कुछ देखना है, स्पेशल जीव को देखना है जो इस एरिया में रहता है, तो बफर जोन में आ सकता है ना। यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है, थोड़ा बहुत मानव क्रिया हो सकता है। अब आते हैं ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर सब चीज अलाउ है, लगभग क्या है, सारा चीज अलाउ है। जैसे यहाँ पर्यटक घूमने आएगा ना जी, पर्यटक घूमने आएगा तो यहाँ पर एरिया में देखिएगा क्या होता है कि इन्हें होटलों दिखाई दे रहा है, इन्हें बगल में क्या जंगलों दिखाई दे रहा है, इन्हें टेम्पो चल रहा है, अब बगल में क्या बाबू क्या आपका जंगल भी दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ एक ट्रांजिशन, मतलब क्या ट्रांजिशन एरिया ऐसा एरिया होता है जो दोनों क्या है, बीच का, दोनों क्या हो, बीच का है। तो ट्रांजिशन एरिया में क्या होता है, सब चीज लगभग क्या होता है, अलाउ होता है। कोर जोन जहां पर बाबू क्या होता है कि मानव एक्टिविटी अलाउ नहीं है, बफर में थोड़ा सा अलाउ है, और यहाँ पर क्या होता है, ये जानते हैं क्यों बटा गया है, ये एरिया में कुछ खास जीव जंतु रहते हैं, अगर इनको आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो दिक्कत क्या हो, दिक्कत है ना। तो वैसे एरिया को डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए इसको बांट दिया गया है ना। आज जंगल को बचाने के लिए हमारे एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और उसके तहत अधिकारी का क्या होता है, चुनाव होता है ना। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए एक होता है नेशनल पार्क होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा एक होता है कम्युनिटी रिजर्व। इस सब को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, क्या बोलते हैं, संरक्षित स्थान, ऐसा एरिया जिसको बचाया जा रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड मतलब क्या, बचाने वाला क्षेत्र। अब नेशनल पार्क रहेगा तो उसको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा, क्या मिलेगा, ज्यादा। इसको क्या मिलेगा, कम। प्रधानमंत्री बाबू समझिए इनका एकदम जेड प्लस सुरक्षा एकदम पूरा एकदम तैयार है ना जी। आई बाबू समझिए क्या, लोकल नेता है ये चिंटू भैया मिंटू भैया, तेरा पीछे भी तो गांव के लेकिन 500 चल रहा है, काफी है कि नहीं है। मतलब ये क्या है, प्रधानमंत्री आए समझिए कि सांसद देखो, समझ में, ये कुछ है प्रधानमंत्री। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो गया, सांसद आए चिंटू भैया मिंटू भैया, ये कम्युनिटी रिजर्व क्या हो गया, चिंटू भैया मैंने वहीं कहा उनको बचाएगा, इनको कौन बचाएगा, पूरा एकदम देश का सबसे बाबू बोल सकते हैं, एनएसजी कमांडो एकदम, इनको ही बचाएगा, इनको कम बचाएगा, इनको बाबू एकदम कम।
इनको गांव में छोड़ देगा, तू ही अपना देख लो। चिंटू भैया के बचाने की जिम्मेवारी क्या है? चिंटू भैया के दोस्त के है, समझ में रहा है? नेशनल पार्क को ज्यादा और क्या है, प्रोटेक्शन मिलता है, इसको कम मिलता है, इसको कम मिलता है, कोई दिक्कत? चलिए आ गया था। अब देखिए हमारे देश में क्या है, नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वर्तमान समय 106 है। कितना? 106 है, मतलब ऐसे याद करना। हमारे यहाँ क्या है, 100 के आसपास नेशनल पार्क है, संख्या घटते बढ़ते रहता है। वर्तमान में कितना? 106 है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 550 से अधिक है, मान लेते 560 मान लेते हैं, इसके आसपास होगा, देख लेना पड़ेगा, है ना? तो क्या बोले कि नेशनल, ये नहीं पूछेगा के वो से पूछेगा, ये फालतू क्वेश्चन है। ये हो सकता है पूछ ले कि नेशनल पार्क से कितना है, 106 है, मतलब 100 से क्या ऊपर है। तो क्या 106 का नाम याद करना है? नहीं, एक बार लेकिन देख लीजिए, क्यों बता रहे? देखिए 106 में जानते हैं कम से कम, क्या है कि 40-45 का नाम पूछा जा रहा है। कितना? 40 के आसपास नाम। हम लोग एग्जाम के समय बता रहे हैं मैक्सिमम 10-12 को याद रखिए, आपका निकल जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि पढ़ाने का तरीका टीचर बता देता है ना, इसलिए कारण से असाथे क्या है, सब एक जगह ढूंढ के दे देता है, तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। तो अब क्या है कि 30-40 के आसपास याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका क्या होता है कि आप राज भाई जाइए, आज क्या कीजिए बाबू, जम्मू कश्मीर का पार्क देख लीजिए, है ना, कल बिहार का देख लीजिए, कल झारखंड का देख लीजिए, कल कहीं और का देख लीजिए, कल परसों कहीं और का देख लीजिए, ये समझ में रहना। ऐसे करके पढ़िएगा तो लंबा समय तक याद रहेगा। आप कुछ आपको रखना भी पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, रखना। कोई कोई पार्क क्या बाबू, ये दिक्कत है नहीं ना, कोई कोई आप लोग एक ही जगह के हैं, आप लोग एक ही जगह के हैं, क्लास के बाद आप लोग तीनों मिलिएगा, ठीक है ना। चलो आपका बक्सर घर कहाँ कहाँ पड़ता है? बक्सर, ठीक है, सुनिए बता रहे हैं। जैसे क्या बता रहे हैं, नेशनल पार्क को ज्यादा सुरक्षा है और बाकी सब क्या है, कम है। आप देखिए नेशनल पार्क है, सबके यह नाम याद मत रखिए, लेकिन एक बार देख लीजिए, जानते क्यों? क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन पक्का ही रहा है। नामदाफा पार्क दो बार पूछा गया है, नोमेरी पूछा गया है। देखिए जो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पार्क है ना, वो हम एक दिन क्या करेंगे, वो बताएंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारा भी क्या टारगेट है, कंसेप्ट समझाने का, तो इस पर हम फोकस नहीं करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण पार्क होगा उसको हम एक दिन क्या करेंगे, बताएंगे। ये समझ में गया ना? चल आ गया था। अब क्या कोई खास जीव को, क्या वो कोई खास जीव को अलग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है? कोई कोई जीव है जैसे मान लो कि बाघ, क्या वो बाघ, तो बाघ को बचाने का अलग से प्रयास किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। एलिफेंट को बचाने के अलग तरीके से प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा, क्या वो दो क्वेश्चन पूछेगा, एक है प्रोजेक्ट टाइगर, क्या वो प्रोजेक्ट टाइगर, चलिए एक क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, एक है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था बाघ को बचाने के लिए, कि बाघ की जनसंख्या घट रहा है, उसको बचाया जाए। जैसे हमारे यहाँ चीता पहले बड़ी बनी था, लेकिन अब चीता है बाबू, सारा चीता क्या हो गया, खत्म हो गया। तब मोदी को फिर चीता छोड़ना पड़ा, तब फिर एग्जाम्पल दिया क्या कि पहले कबूतर छोड़ा था, हम क्या छोड़ रहे हैं, चीता छोड़ रहे हैं, समझिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया 1973 में, कब 1973, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत 1973 में, आप प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये है बाबू टाइगर, बाघ को बचाने के लिए, एक इसके लिए एलिफेंट, हाँ समझिएगा। हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पशु बाबू क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, माने भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, आया जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। एक है नेशनल एनिमल कौन हो गया, बाघ, नेशनल एनिमल कौन हो गया, बाघ हो गया, और नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन हो गया, हिंदी में बोले कि राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर, और राष्ट्रीय विरासत पशु। अब सुनिए हमारे देश का अलग अलग बाबू समझिए क्या, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, ये पूछता है, 10 कुछ भी है उसको एक जगह बता देंगे, एक जगह क्या होगा वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, कौन है, अब वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए बिहार सचिवालय में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो मान के चलिए कि दरोगा में पूछा जा सकता है, उसको एक जगह लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों समझ में आ गया, चलिए आ गया था। इसके अलावा क्या है,
एक समझिएगा क्या, एक समझना चिपको, क्या वो चिपको आंदोलन, और एक समझना एपी को, क्या वो एपी को आंदोलन। पहले समझते चिपको आंदोलन क्या होता है, एपी को क्या होता है, एक समझाएंगे नर्मदा आंदोलन, क्या वो नर्मदा आंदोलन बताएंगे, है ना। चलिए अभी देखिए क्या है, अभी हम बाबू पहले समझते हैं चिपको आंदोलन। चिपको मतलब चिपक जाना, है ना जी, फेवी कॉलर बोलता है कभी छूटेगा नहीं, तो चिपको मतलब क्या है, चिपक जाना। पहले समझिए क्या होता है, देखिए कई सारा एरिया में क्या होता है ना, खास करके हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार पेड़ पौधों के हमारे यहाँ पूजा जाता है। अभी देखिए क्या कि बर पूजा चल रहा था, वो बर भी सोच रहा क्या हमारा नसीब है, ऐसा बुला के मर गया होगा बरवन जी, तनिका का पसंद लपेटा है शंका जी, रस्सी कंगन जी, अब मान ले कि हमको दूध अच्छा लगता है, हमको दूध अच्छा लगता है, कहा खाने दूध नहीं आएगा तो पंखा हमका रहा था ना सादे दूध आया कौन है जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं तो आपको हम काया है, है? चले आइए सुनिए, हमारे यहाँ क्या होता है, वनस्पति का पेड़ पौधों का क्या क्या होता है, ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। तुलसी के पत्ता का देखोगे, तुलसी के पत्ता को पूजा जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ क्या होता है, कई सारा पेड़ पौधा, खास करके बरगद का पेड़ का पूजा होता है। हालांकि बर के पेड़ भूत भी रहता है, होता ना जी कि धैले वाला बरवा पके भूत बाबा, सुने ना जामुन पके भूत धैले है। चलिए पेड़ का पूजा जा रहा है। अब देखिए जनजाति लोग होते हैं, जनजाति जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, आदिवासी लोग, है ना, तो जनजाति इलाका में क्या होता है, पेड़ का और महत्व ज्यादा होता है, तो उनका जीवन ही पेड़ पर निर्भर है। पेड़ से मध प्राप्त करेंगे, पेड़ से फूल प्राप्त करेंगे, पेड़ से फल प्राप्त करेंगे, आम प्राप्त करेंगे, पेड़ से लकड़ी प्राप्त करेंगे, तब भोजन बनेगा, है कि नहीं। पेड़ का उनका जीवन महत्व है बाबू, आज जिसका आपके जीवन में महत्व उसको हम लोग पूछते हैं, आपके जीवन में आपके मम्मी पापा का महत्व, मम्मी पापा गोड़ छूते हैं, आपके जीवन में टीचर का महत्व होता है तो उनका भी क्या करते हैं, पैर छूते हैं, होते हैं ना, तो जिनका महत्व ज्यादा होता है उनको हम पूजते हैं बाबू। तो पेड़ पौधा का महत्व है कि नहीं, तो उनको क्या करते हैं, पूजते हैं। तो एक टर्म समझना सेक्रेट ग्रुप, क्या समझना है, सेक्रेट ग्रुप। सेक्रेट मतलब क्या होता है, पवित्र, अग्रो मतलब गुच्छा टाइप होता है कुछ, समझे क्या। कई सारा जंगल है ना, उसमें जो वहां जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, कई पेड़ को इतना पवित्र मानते हैं कि उसका वो पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं, पत्ती भी नहीं तोड़ते हैं, उसका फल भी नहीं तोड़ेंगे, ना उसका बाबू कोई टहनी तोड़ेंगे, वो नीचे गिर जाएगा फल तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे पत्ती गिर गया बाहर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसी को बोलते हैं सेक्रेट ग्रुप। यूपीएससी में इसी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज सेक्रेट ग्रुप, सेक्रेट ग्रुप क्या होता है, तो जो ऑप्शन रहेगा कि जंगल में रहने वाले लोग कोई चीज को पवित्र मानकर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जो जंगल में जो पेड़ पौधा होता है उसकी पूजा करते हैं, उसी को बोलते हैं सेक्रेट ग्रुप, समझ में। अब देखिए देखिए चिपको आंदोलन इससे संबंधित है, समझे क्या। अब आपके जीवन में पेड़ पौधा का महत्व पूरा है, पूरा पेड़ पौधा का महत्व है, और उसको आपका समझे कि जीवन में क्या है, मान लेते क्या है, एक लड़की है उसका एक बेटा है, मान महिला क्या है उसका बेटा है, उसके जीवन उसके बेटा का बहुत महत्व होगा, है कि नहीं। अब क्या है कि बेटा को क्या करते हैं, बेटा को सुबह छीनते हैं, वो छीने देगी जी मुंह नाक सब नोच लेगी। यहां देखना ना, पशु को भी देखना, पशु का भी जानवर का तंग करोगे ना, देखना कितना जोर से, कुत्ता के बच्चा का भी लेके भागना, देखना क्या होता है, कुत्ती जो होती है किसे काटता है, काटता है ना, मतलब महिला क्या करती है अपने बच्चा से प्रेम करती है। अब समझना क्या है, जैसे जो जंगल जंगली इलाका है तो वहां पर महत्व ज्यादा है, तो हुआ क्या, उत्तराखंड, उत्तराखंड में चमोली जिला है, उत्तराखंड में चमोली जिला, ये हो गया आपका उत्तराखंड, यहाँ पर क्या चमोली जिला है, तो चमोली जिला में क्या, देश जब वहां आजाद हुआ तो विकास के नाम पर हम क्या किए, पेड़ पौधा काटना शुरू किए। अब पेड़ पौधा कटेगा तो दिक्कत किनको होगा, महिलाओं को, ठीक ना, तो लोग महिला लोग प्लान कर देगी, जब आरी लेके पहुंच गया अब उनसे हथियार से लड़ेगी तो हो पाएगा नहीं, तो बोला क्या कि हम क्या करेंगे, पहले घर में देखो लड़ाई होता है ना, तो बुढ़वा बीच में आ जाता है कि पहले हमारा मारे तब ये मारिए, है ना, अब बुढ़वा कोई मारता है जी, माने घर में लड़ाई नहीं हुआ अब बुढ़ो बच गया, तो यहाँ पर पेड़ है, पेड़ से क्या करना चाहिए, आओ यहाँ पर एक तुम है दोस्त, आइए आइए, समझिए कि पेड़ है, इनको काटने के लिए क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा हो, ये काटने के लिए आ रहा,
आरा लेके चले, ये काटने के लिए तैयार है ना। हम क्या किए बाबू, पैसे खड़ा हो गए इसे कि पहले हमारा तब है करा, एकदम ऐसे कर खड़ा हो गए ना भाई, पहले हमारा काट दो तभी इनको काटना है, देख रहे हैं काटोगे सर आप काट लोगे, मान लीजिए हमको काट लोगे, लेकिन पूरा का पूरा इसी पेड़ को सब घेर लिया है, सब पेड़ को चिपक गया, पेड़ को आप काट पाओगे? सरकार को नियम वापस लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, तो आप जाइए, हो गया काम। मतलब चिपको आंदोलन के तहत क्या किया कि बहु उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के महिला का किया कि पेड़ के बहु पेड़ को चिपक जाते थे, इस कारण से क्या हुआ कि उसको लोग नहीं काटा। अब ये जानते हैं इसमें देखिए गांधी जी का विचार क्या है कि हिंसा नहीं करना है, सस नहीं उठाना है, तो लग रहा है कि हिंसा नहीं कर रहे हैं जी, सस उठा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, लेकिन हमारे काम भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर गांधीवादी तरीके का प्रयोग किया गया, किसमें? चिपको आंदोलन। और इसका एक नेता मिल गया सुंदरलाल भैरवी। कोई आंदोलन तभी पिक पकड़ पाता है जब उसका एक नेता होता है, बिना नेता के बाबू, जैसे बिना दिमाग के आदमी कोई नहीं है जी, अगर आपका दिमाग नहीं तो आदमी के रहने का नहीं बराबर है। तो बाबू क्या है कि नेता क्या करता है वो दिमाग का काम करता है। तो यह सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, चिपको आंदोलन क्या थे, नेता थे। आज सुंदरलाल बहुगुणा का क्या हुआ है कि कोरोना चला था उदाहरण क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो समझिए चिपको आंदोलन शुरू कहां से हुआ, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से, चमोली। इसका नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। इसमें क्या किया गया, पेड़ से चिपका गया, यहां पर गांधीवादी तरीके का प्रयोग किया गया, अहिंसा पर जोर दिया गया, तो यहां पर गांधीवादी तरीके का प्रयोग किया गया। जब ये बाबू यहां पॉपुलर हो गया तो देखा देखिए दूसर को करेगा जी, जैसे मान ले कि आप पकड़ लो, आपका एक पे क्या होगा, अमीर हो गए। अगर वो पूछे कि हाँ वो कल तक मैं जा रहा इसी तरह अमीर कैसे हो गया, तो बोला कि वो लॉटरी लगाया था, तो अभी लॉटरी लगाएगा। तो यहाँ पर जब आंदोलन सफल हो गया तो पूरा भारत तो फंस जाएगा। तो समझिए ये बाबू उत्तराखंड से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में क्या हो गया, फैल गया चिपको आंदोलन। अब इसी को देखा गया कर्नाटक में, कहा वो ये आपका दोस्त हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में शुरू किया गया ए पिक्को, क्या वो ए पिक्को माने चिपको का ही नाम क्या है, पिक्को, चिपको का नाम क्या है, ए पिक्को। तो ए पिक्को आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ, कर्नाटक में। किससे प्रभावित था, चिपको उत्तर भारत में फैला, ए पिक्को कहाँ फैलेगा, आई आंदोलन पूरा फैला। आज इस तरह से हमारे क्या हुआ, पेड़ की रक्षा हो सके, समझ में आ गया। चलिए ये भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक और चीज आता है, अब एक समझते हैं नर्मदा, क्या हो नर्मदा, एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसे बाबा यहां पर नर्मदा, यहां पर देखिए नर्मदा, नर्मदा ताप्ती दो नदी है, यहां नर्मदा और ताप्ती क्या दो नदी। आप लोग को दिक्कत है बाबू, यहां सुनिए, बात करना होगा बाद में बात कर लीजिएगा, एक डेढ़ घंटा क्लास में आप लोग बात करते रहते हैं, है ना, हर एक चीज को देखिए इग्नोर करने पर इग्नोर किया जाता है, आपको दिक्कत होता है हमसे पूछ लीजिए बाबू, है ना। चलिए यहाँ क्या नर्मदा, अब क्या है कि हमारे कई सारा बांध बनाया गया, यहां तक जानते हैं बांध कितना महत्व था कि हमारे यहाँ पंडितजवाहर नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे। क्वेश्चन पूछे है किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, उनका का नाम था कि बांध बनने से क्या होगा, बांध बनेगा तो उसे नहर निकाल सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, है ना, तो उनसे क्या होगा, देश का क्या होगा, विकास होगा, तो इसलिए उसको मंदिर बोले, क्या बोले, मंदिर बोले। तो इसी बाबू क्या है कि यहाँ पर बाबू क्या है, कई सारा हमारे देश में बांध बना जा रहा, नर्मदा नदी में बांध बना गया। तो ये बांध बने का खाली फायदा तो आपको दिखाई दे रहा है, घाटा क्या है कि मान लेते कि बाबू ऐसे बाबू नदी जा रहा है, ऐसे नदी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अगर मान ले कि यहाँ पर बांध बनाएंगे तो ये एरिया पूरा पानी से डूब जाएगा, तो यहाँ वाला रहने वाला लोगों को तो दिक्कत होगा। आज जंगल में जो रहने वाले जो लोग है खास है, तो बाबू जंगली जंगली उनको यहाँ छोड़ना पड़ेगा जगह, है ना, उनका सब आवास खत्म हो गया, और कई सारा जीव जंतु मर जाएगा, मरे कि नहीं मरेगा, जो बाबू क्या था कि नॉर्मल तरीका से रहने वाला था खाली पानी हो जाएगा तो रह पाएगा, मर जाएगा। अच्छा ये जो पानी इधर आ रहा था, इधर पानी कमी हो जाएगा, तो जब पानी की इधर भी कमी होगा तो यहाँ भी रहने वाला जीवन तो मर सकता है। कई बार मान ले कि बांध टूट गया तब क्या होगा, वो पूरा गांव साफ, पूरा गांव क्या हो जाएगा साफ। तो बांध का क्या है घाटा, ऐसा क्या होगा घाटा, साथ ही अगर बांध बांधते बहुत बड़ा तो आप भूकंप आ सकता है। पृथ्वी प्लेट का बना हुआ, ऐसे प्लेट है बाबू, आप अगर एक दबा पाएगा, ऐसे दबा पाएगा तो ये बाबू इससे होगा तो हिलेगा, तो कंपन को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। आप भूकंप आएगा तो बहुत क्या है, हानि है, है ना, बहुत हानि। तो मतलब क्या भूकंप भी आ सकता है बांध से, बांध से भूकंप आ सकता है कि नहीं। देखिए हमारे देश से माना जाता है कि दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आता, ये स्टेबल जमीन है, क्या स्टेबल जमीन है, हमारे यहाँ मैक्सिमम भूकंप इधर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी देखा गया कोयना बांध बना गया, क्या कोयना नदी पर बांध बना गया, वहां पर भूकंप आ गया। मतलब ये बोल रहा हूँ क्या कि बांध बांधने से भूकंप आ सकता, ठीक है ना।
तो इसी को लेकर हुआ कि नर्मदा नदी को बांध बनाया गया तो कई सारे एरिया का डूब गया। तो तृतीय जी का नाम है नर्मदा मेधा, क्या नाम है, मेधा पाटकर, मेधा मेधा पाटकर के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक क्या हो, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणी, एक हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसके नेतृत्व में, मेधा पाटकर। हो गया यहां तक, चलिए और भी चीज को हमको बचाना है, उसमें एक क्या हो, जल को बचाना, क्या हो, जल। हमारे यहाँ जल का समय के साथ क्या हो रहा, कमी हो रहा है। हम लोग जिस तरह से जल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आने वाला समय जल की बहुत कमी हो जाए। यूपी में छोड़े ना, जहानाबाद हमको याद है बाबू क्या कि यहाँ बहुत पहले आए थे 2000 मतलब बोलते 2002-3 में हम कुछ नहीं रहे हैं, 2-3 में कुछ नहीं रहे हैं। तो वहां बाबू जहां हम रहे थे वहां यही थे, घर से ही पानी पीते थे, घर का मतलब समझ रहा, घर कहीं पानी पीते थे। लेकिन आज जब उनके यहाँ जाते हैं बाबू तो क्या होता है, बाहर से पानी मंगवाने पड़ता है, घर का पानी कोई नहीं पीता है, मतलब समझ रहा, पानी कमी हो रहा है कि नहीं रहा। पानी का हम लोग इस्तेमाल बाबू क्या है, बढ़िया से जाओ, पानी का हम लोग बढ़िया से इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, पानी का बढ़िया से इस्तेमाल नहीं, पानी कमी हो जाएगा। हम लोग घर में क्या देखते हैं, आजकल गांव में मोटर चल गया, एको गिलास के पानी का सकता है पूरा चल रहा है, खेत पट रहा तो पूरा उपला के पटा रहा। गाड़ी धोनाते हो, गाड़ी धोने 5 गोबर लेके आ गया, तनी हमरो है ना, आए को बोला कि तनी हम लेके आवे हो, आप चले रहे हो, आधा घंटा बाद आएगा, एक घंटा बाद आएगा, पानी को बढ़ा दी। तो पानी बचाना क्या हो जरूरी। देखिए पानी दुनिया भरपूर है लेकिन अच्छा पानी कम है, दुनिया में लोग तो भरपूर है, दुनिया में नेता बहुत है लेकिन अच्छा नेता की कमी है। पानी रेला है लेकिन सब नमकीन है, नमकीन है मतलब बाबू उसमें नमक ज्यादा है, ताजा पानी क्या है, कम है। तो उसी को बचाने के लिए क्या बाबू, आपका एक व्यक्ति है राजेंद्र, क्या हो, राजेंद्र सिंह। और ये भी क्वेश्चन बिहार द्वारा पूछा गया है, इनको बोलते हैं वाटर मैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष, क्या बोलते हैं, जल पुरुष, भारत के जल पुरुष या वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह। ऐसे याद रखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आप लोग नाम सुनोगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो उन्हीं का नाम इनका भी है राजेंद्र सिंह, क्या बोलते हैं, वाटरमैन। अब एक है बर्डमैन, अब चिड़िया का भी इंपोर्टेंस होता है, तो चिड़िया को बचाने के लिए भारत में सलीम अली, कौन बाबू, सलीम अली, अनारकली वाला के देखें जी, सलीम है ना, अनारकली या सलीम अली जानते हो, सलीम था जहांगीर के नाम, एगो लड़की के प्यार में पागल हो गया, उसका नाम था अनारकली, है कभी देख लेना सिनेमा है ना। चलिए तो यहाँ बर्डमैन, तो चिड़िया को बचाने की दिशा में सबसे ज्यादा प्रयास कौन किए हैं, सलीम अली, इसीलिए सलीम अली को बोलते हैं बर्डमैन, क्या बोलते हैं। तो कौन कौन हो गया, वाटरमैन, बर्डमैन, यहां तक समझ में गया। चलिए तो यहां तक हम लोग देख लिए बाबू, और कुछ बचे, कितना समय हो रहा बाबू देख लेते हैं, अभी कुछ देर और खींचा जाएगा बाबू, अभी रुकिए, हड़बड़ाइए मत, 2 घंटा का पहले कोई उपाय नहीं बबुआ। सुनिए अभी क्या है कि अलग अलग चीज को बचाने के लिए अलग अलग चीज हम लोग क्या किए हैं, शुरुआत किए हैं, है ना। तो 3-4 गो बाबू क्या है, संस्था, 3-4 गो क्या है, संस्था है, वहां से क्वेश्चन बाबू क्या होता है, निकलता है, वहां से क्वेश्चन निकलता है कि हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कब आया, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया, मतलब अलग अलग बाबू क्वेश्चन पूछता है, तो उसको थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया एक ही जगह हम लिख दिए थे बाबू। हाँ चलिए, पहला क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाबू, क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको बोलते हैं वन्य जीव, क्या बोलते हैं, वन्य जीव सुरक्षा या संरक्षण बोल सकते हैं, संरक्षण अधिनियम। ये बाबू कब आया है, 1973 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया, 1972 में बाबू, है ना। अगला बाबू क्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बाबू, इसको बोलते हैं पर्यावरण, क्या बोलते हैं,
पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये 1986 में, उन्नीस सौ बाबू 1986 में। एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, क्या है बाबू? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बाबू, जैव विविधता अधिनियम, क्या बोलेंगे? जैव विविधता अधिनियम, ये आया बाबू 2002 में। आया क्या एनजीटी, क्या हो? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहले तो इसका फुल पर पूछ देगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, समझा देते हैं सब बाबू। ये आया 2010 में, सुनिए क्या बोले, पहला समझिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए क्या हुआ ना कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक मीटिंग किया गया था 1972 में ही, स्कॉट होम कन्वेंशन, अगला लेसन बताएंगे, तो वहां मीटिंग किया गया, तो इंडिया जब वहां से मीटिंग से लौटा तो बोला कि हम भी अपने यहाँ क्या करेंगे, बचाएंगे, और उसके लिए पारित किया क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड मतलब होता है कि वन, वन में रहने वाला जीव को क्या करना, बचाना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आये बाबू का 1972 में, 1972 में है। अगला क्या बाबू, या देखिए 1972 में क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 73 प्रोजेक्ट टाइगर, याद कीजिए 73 प्रोजेक्ट टाइगर, आगे आते हैं। अगला है कि पर्यावरण को बचाना है, ये जंगल और रहने वाले जीव की बात करते हैं, ये पूरा पर्यावरण की बात करता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, यह लाया गया 1986। अगला आते हैं, अब क्या है कि हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना है, मतलब हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है जीव जंतु का, उसको क्या करना है, बचाना है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, या बोलते हैं जैव विविधता अधिनियम, ये है 2002 में, कब है 2002 में, हो गया। आगे आते हैं, अगला क्या एनजीटी, अगला क्या एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यहां पर समझिए नेशनल ग्रीन तो समझ में आ रहा, राष्ट्रीय हरा भरा कोई चीज है। अब आते हैं ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल एक तरह कोर्ट होता है, जैसे आपको लड़ाई झगड़ा होता है कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में अपना केस दर्ज करवाते हैं, लेकिन कोर्ट में बहुत केस क्या है, पेंडिंग है, कोर्ट में क्या है, इतना केस पेंडिंग है बाबू कि अगर उसका सुनवाई अभी भी होता 350 कम से कम लगेगा, कितना, 350 में से, समझ गए ना, जिस रेट से चल रहा है, तो मतलब है कि बाबू कि अगर यहाँ रोड बनवाना है और यहाँ पर जंगल है, आप जंगल का क्या बाबू, कोई काट रहा है, रोड बनाने के लिए काटना पड़ेगा, आप बाबू एक एनजीओ है, है ना, सिलेक्शन गुरु बाबू क्या है, पर्यावरण सुरक्षा कुछ ऐसा है, आप जाए केस कर दिए कोर्ट में, जब केस हो जाता है ना तो काम क्या हो गया, रुक गया, और काम रुक गया तो रुक कर विकास नहीं हो रहा, रोड नहीं बन रहा है ना, अभी लंबा समय तक चलते रहेगा, तो एक बना दिया गया है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो कोई भी अगर बाबू ये सब संबंधित चीज है, मतलब पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज है, तो इसके पास लेकर के जाइए, क्या इसके पास लेकर, इसको कोर्ट की शक्ति दिया गया है, पूरी तरीके से कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की शक्ति दिया गया है, और इसको बोला गया कि आपको 6 महीने के भीतर फैसला करना, कितना दिन के भीतर, 6 महीने, तब ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरह का कोर्ट होता है, क्या होता है, कोर्ट जो निर्णय क्या करता है, जल्दी करता है, मतलब कोर्ट में न जाके उसका फैसला ही नहीं कर लीजिए, गांव में ग्राम पंचायत होता था ना, उसमें भी एक सरपंच निकला होता था, जल्दी फैसला हो जाता है, ऐसे यहां पर क्या ट्रिब्यूनल होता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो भी हरित हमारे यहाँ योजना चलेगा उसके ऊपर केस उस होगा तो एनजीटी देखेगा, ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब 2010 में, इसको ऐसे याद कर दे, इंडिया में पहला बार कार्बन टैक्स कब लगाया था, याद रहा, इंडिया में पहला बार कार्बन टैक्स 2010 में, और इस समय एनजीटी का स्थापना किया गया, एक बार फिर से आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बाबू, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बाबू 2002 में, आईएनजीटी आ गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बाबू 2010 में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो और पढ़ने का इच्छा है, एकदम सीधे सा बोल दिया, नहीं सर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना सर, सीधे दम बोलता है कि नहीं,